हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सब दोस्तों ये जो वीडियो है ये स्पेसिफिकली सी इंटर स्टूडेंट्स के लिए है और वो भी स्पेसिफिकली जो कि अक्टूबर 21 में एग्जाम अपीयर करने वाले हैं या उसके बाद अपीयर करने वाले हैं क्योंकि यहाँ पे इस वीडियो में मैं तो कॉस्ट काउंटिंग का इंस्टीट्यूट ने नए एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंगली मॉक टेस्ट पेपर जो रिलीज किया है उसको मैं यहाँ पे सॉल्व करने वाला हूँ आपके सामने वो भी टाइपिंग के साथ जैसे आपको एग्जाम में इसको सॉल्व करना है बिल्कुल उसी तरीके से मैं यहाँ पे आपको सॉल्व करवाने वाला हूँ तो इंस्टीट्यूट ने ये जो मॉक टेस्ट पेपर दिया है कॉस्ट अकाउंटिंग का उसमें जो भी ब्लू प्रिंट था वो सारा का सारा मैंने रिमूव कर दिया जो भी ब्लू प्रिंट था वो मेरा ये मानना है कि जो ब्लू प्रिंट था वो हमें टाइपिंग करना है अकॉर्डिंगली जो ब्लैक प्रिंट था वो हमें एग्ज़ाम में गिवन होगा तो मैंने सारा का सारा यहाँ पे ब्लू प्रिंट जो था वो रिमूव कर दिया है और जो भी ब्लैक प्रिंट था वो सारा का सारा मैंने रख लिया तो आज हम इस पूरे के पूरे पेपर को सॉल्व करने वाले हैं जिससे आपको इस मॉक टेस्ट पेपर का जो सॉल्यूशन है उसकी अंडरस्टैंडिंग भी बनेगी साथ में ये प्रैक्टिस भी होगी कि हम इस पेपर को कितने टाइम में सॉल्व कर पा रहे हैं या फिर मैं कहूँ एक टाइपिंग की भी आप साथ, -साथ मेरे प्रैक्टिस कर सकते हो कि सर हाँ इस तरीके से मैं टाइपिंग कर रहा हूँ तो ईजिली मैं कर पा रहा हूँ या फिर हमें एग्जाम में किस तरीके से प्रेजेंटेशन देनी है वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे आज क्लियर हो जानी है तो चलिए जी टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं तो देखो इंस्टीट्यूट ने ये एम दिया है जो कि ऑफकोर्स थ्री आवर्स का है हंड्रेड मार्क्स का है एंड देर आर फोर सेक्शन ए बी सी एंड डी जिसमें से ए और बी जो सेक्शन है वो हमें फिफ्टी मिनट्स में करने हैं तो स्टार्ट करते हैं सेक्शन ए से सर इसमें ट्वेंटी मार्क्स का क्वेश्चन है ट्वेंटी एमसी क्यू रखे गए आप इंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे तो लिखा हुआ यू आर रिक्वायर्ड टू आंसर ऑल द क्वेश्चन कैरीज मार्क इंस्ट्रक्शन है क्वेश्चन इज फॉलोड बाई फोर आंसर चॉइस मतलब एमसी क्यू एंड ओनली वन इज करेक्ट यू आर रिक्वायर्ड टू सिलेक्ट द चॉइस विच अकॉर्डिंग टू यू रिप्रेजेंट द करेक्ट आंसर सबसे पहले मैंने ए पढ़ा द मीनिंग ऑफ कन्वर्जन कॉस्ट इन प्रोसेस कॉस्टिंग इज प्रोसेस कॉस्टिंग में कन्वर्जन कॉस्ट का क्या मीनिंग है कन्वर्जन कॉस्ट में अगर मैं बात करूं तो मेनली डायरेक्ट लेबर डायरेक्ट एक्सपेंसेस और फैक्ट्री ओवरहेड्स कवर होते हैं विच वन ऑफ द चॉइसेस फ्रॉम द बिलो अकॉर्डिंग टू यू मोस्ट अप्रोप्रिएटली कंप्लीट द अब सेंटेंस तो देखो सबसे पहला है कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर डायरेक्ट एक्सपेंसर डायरेक्ट मटेरियल कवर नहीं होता कन्वर्जन कॉस्ट में कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट लेबर डायरेक्ट एक्सपेंस इन डायरेक्ट मटीरियल इन डायरेक्ट लेबर इन डायरेक्ट एक्सपेंस सर यही आंसर है क्योंकि डायरेक्ट लेबर भी है इसमें डायरेक्ट एक्सपेंस भी है इसके अलावा ओवरहेड क्या होते हैं इनडायरेक्ट मटेरियल इनडायरेक्ट लेबर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस अगर आप थर्ड पॉइंट पढ़ेंगे तो प्राइम कॉस्ट प्राइम कॉस्ट में डायरेक्ट मटेरियल आ जाता है जो कि कन्वर्जन कॉस्ट में नहीं आता और ओल कॉस्ट अब ओल कॉस्ट में तो मटेरियल आ ही जाएगा जो कि कन्वर्जन कॉस्ट में नहीं आता तो आपका आंसर होगा सेकेंड पॉइंट तो इंस्टीट्यूट ने जैसे आंसर दिया था वैसे ही मैं दे रहा हूं तो यहां पे ए ए लिखने का मतलब सेकंड पॉइंट जो है वो हमारा आंसर है मैं इसको यहां पे कलर थोड़ा सा अलग दे देता हूं ताकि आइडिया रहेगा कि ये हमारा सॉल्यूशन है मैं इसको यहां पे कलर थोड़ा सा अलग दे देता हूं ताकि हमें आइडिया रहेगा ये हमारा आंसर है मैंने रेड में लिख दिया बी पे जाते हैं इन द कंटेक्सट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट वर्क कंप्लीटेड बट नॉट ये कहते हो सर वर्क कंप्लीटेड बट नॉट यर्टिफाइड इसका मतलब वर्क अनसर्टिफाइड विल बी शोन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट पॉइंट नंबर एक कहता है कॉस्ट प्लस देखो एक बात माइंड में क्लियर कर लो कि जो वर्क अनसर्टिफाइड होता है वो कॉस्ट पे शो किया जाता है तो पहला पॉइंट नहीं हो सकता कॉस्ट प्लस दूसरा नहीं हो सकता कॉस्ट प्लस कॉस्ट में कुछ ऐड नहीं करना तीसरा है कॉस्ट अंडर कंप्लीटेड वर्क और फोर्थ है कॉस्ट अंडर डब्ल्यू अकाउंट तो याद करो जब हम कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में बाई वर्क इन प्रोग्रेस के अंदर अनसर्टिफाइड लिखते हैं इसका मतलब है, हम उसको कॉस्ट पे शो कर रहे हैं और वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट में शो कर रहे हैं तो आंसर विल बी फोर्थ वन जिसके सामने मैंने लिख दिया है ए जिसके सामने मैंने लिख दिया है ए आगे चलते हैं स्टैंडर्ड कॉस्ट एंड बजटरी कॉस्ट आर बजटिकल है विच वर्ड अकॉर्डिंग टू यू अप्रोप्रिएटली स्टैंडर्ड कॉस्टिंग और बजट कॉस्ट क्या ये इंटर रिलेटेड है क्या ये डिफरेंट है क्या ये अन रिलेटेड है या नन ऑफ द अब तो देखो सबसे पहले तो बजट ही बनते हैं उसके बाद ही तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग फॉलो किया जा सकता है तो अकॉर्डिंगली फर्स्ट पॉइंट विल बी द करेक्ट आंसर फर्स्ट पॉइंट विल बी द करेक्ट आंसर सिंपल आपको आता है तो आप विद इन हाफ मिनट कर सकते हो अदरवाइज नहीं कर पाओगे और एग्जाम में आप मुझसे जल्दी करोगे क्योंकि मैं तो आपको थोड़ा सा क्लियर करने की भी कोशिश कर रहा हूं जबकि आपको अगर आंसर आता है आप इजीली अपना आंसर लिख के आगे चल दोगे नेक्स्ट डी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पोटेंशियल बेनिफिट ऑफ यूजिंग ए बजट ध्यान से पढ़ना पोटेंशियल बेनिफिट नॉट ए पोटेंशियल बेनिफिट कौन सा पोटेंशियल बेनिफिट नहीं है बजट का सर बजट बनाने से मैनेजर मोटिवेट होते हैं बिल्कुल होते हैं इससे कॉर्डिनेशन होता है बिटवीन द फॉर्म एक्टिविटी बिल्कुल होता है जब सेल बजट बनता है उसके बेसिस पे ही तो प्रोडक्शन बजट बनता है इंप्रूवड इंटर डिपार्टमेंट कम्युनिकेशन बिल्कुल कम्युनिकेशन इंप्रूव होता है मोर एक्यूरेट एक्सटर्नल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बजट बनाने से बाहरी दैट इज एक्सटर्नल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे इंप्रूव हो जाएंगे दिस इज नॉट द पोटेंशियल बेनिफिट ऑफ बजट एंड बजटरी कंट्रोल योर करेक्ट आंसर विल बी फोर पॉइंट नंबर फोर विल बी और करेक्ट आंसर ऑफ ऑप्शन डी पॉइंट इसके बाद कहते हैं सेल्स बजट इज एन एग्जांपल ऑफ हमें पता है सेल्स बजट जो है वो फंक्शनल बजट का पार्ट होता है फंक्शनल बजट में सेल बजट प्रोडक्शन बजट रॉ मटेरियल परचेज बजट कंजम्पशन बजट ये सारे के सारे बजट कवर होते हैं तो इट इज द पार्ट ऑफ फंक्शनल बजट डायरेक्टली आप आंसर लिख सकते हो यहां पे ए दैट इज फंक्शनल बजट फंक्शनल बजट इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे दैट इज एफ एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है जेड लिमिटेड इज प्लानिंग टू सेल वन लैक यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट ए फॉर रुपी ट्वेल्व पर यूनिट तो सेलिंग प्राइस पता चल गया है सर बारह रुपए पर यूनिट है द फिक्स कॉस्ट आर टू लैख एटी थाउजेंड इन ऑर्डर टू रियलाइज ए प्रॉफिट ऑफ रुपी टू लैक वट वुड बी द वेरिएबल कॉस्ट तो देखो सिंपल सी बात ये मार्जिनल कॉस्टिंग का ये क्वेश्चन है अगर क्वेश्चन ने आपको फिक्स कॉस्ट दे दी प्रॉफिट दे दिया और सेल दे दी तो आप फॉर्मूला यूज कर सकते हो सेल्स यूनिट्स इज इक्वल टू फिक्सड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइडेड बाई कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट क्योंकि अगर आप सेल यूनिट में ले रहे हो तो डिनोमिनेटर विल बी कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो सर फिक्स दो लाख अस्सी हजार अस्सी पैसे का मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट आ गया चार रुपए अस्सी पैसे का मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट आ गया और क्वेश्चन सेलिंग प्राइस है बारह रुपए तो सेलिंग प्राइस और कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट के बीच का डिफरेंस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट होता है तो बारह रुपए में से फोर पॉइंट एट कॉन्ट्रीब्यूशन माइनस करूं तो मेरा आंसर है टू अगर है एक यूनिट का और लाख यूनिट आप बना रहे हो तो इट विल बी सेवन लैख ट्वेंटी थाउजेंड ऑप्शन टू जो है दैट विल बी योर करेक्ट आंसर ऑप्शन टू जो है दैट विल बी योर करेक्ट आंसर नेक्स्ट डी एट द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी लेवल ई क्यू पे विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रू कौन सा सही है क्या ऑर्डरिंग कॉस्ट में मिनिमम होती है सर नहीं ऑर्डरिंग और कैरिंग का सम मिनिमम होता है कैरिंग कॉस्ट मिनिमम होती है नो द ऑर्डरिंग कॉस्ट इज इक्वल टू द कैरिंग कॉस्ट यस हम कहते हैं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वान्टिटी वो क्वांटिटी ऑफ ऑर्डर है जिसपे सम ऑफ ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट विल भी मिनिमम एंड बोथ आर इक्वल थर्ड पॉइंट विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ जी नेक्स्ट एच पे मूव करें वेन ए डायरेक्ट वर्कर इज पेड ऑन ए मंथली सैलरी बेसिस आपने एक डायरेक्ट वर्कर रखा हुआ है उसको से एग्जाम्पल बीस हजार रुपए पर मंथ पे कर रहे हो मतलब फिक्सड पे कर रहे हो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फोल्स कहते इनमें से कौन सा गलत नहीं है मतलब हमें यह बताना है कि इसमें से कौन सा सही है देर इज नो आइडल टाइम लॉस्ट पहला पॉइंट कहता है कि इसकी वजह से आइडल टाइम लॉस नहीं होगा ऐसा तो बिल्कुल नहीं है अगर आपने परमानेंट बेसिस पे वर्कर रखा हुआ है तो ये थोड़ी ना कि आठ घंटे गधों की तरह वो काम कर देगा नहीं आइडल टाइम तो उसका भी होगा वो भी लंच करेगा वो भी वेस्ट टाइम करेगा आपका देर इज नो आइडल टाइम कॉस्ट देर इज नो आइडल टाइम कॉस्ट हाँ ये सही है सर ऐसा क्यों अगर आपने उसको बोल दिया बीस हजार रुपए पर मंथ पे करूंगा तो बीस हजार रुपए पर मंथ ही तो पे करोगे इडल टाइम के लिए अलग से तो आपकी कोई कॉस्ट पे होनी ही नहीं है तो करेक्ट आंसर तो यही है बाकी आगे भी पढ़ देता हूं मैं थर्ड ऑप्शन है आइडल टाइम कॉस्ट इज सेपरेटेड एंड ट्रीटेड एज नो अगर डायरेक्ट वर्कर है तो हम उसको डायरेक्ट वेजेस में ही कंसिडर करते हैं एंड द सैलरी इज फुल्ली ट्रीटेड एज फैक्ट्री ओवर एड कॉस्ट नहीं डायरेक्ट वर्कर है तो डायरेक्ट वेजेज में जाएगा तो नॉट फोल्स कौन सा सर गलत नहीं है अगर आपको बोल दिया जाए सर गलत नहीं है मतलब मुझे सही बताना है और सही ये है कि अगर डायरेक्ट वर्कर को आप मंथली बेसिस पे फिक्स सैलरी पे करोगे आइडल टाइम की कॉस्ट नहीं आएगी बीस हजार देने हैं तो देने हैं उससे एक्स्ट्रा आपको आइडल टाइम के लिए कुछ भी पे करने की जरूरत नहीं है और ना हम उसको सेपरेट सेपरेट अलग अलग करने की जरूरत होती है नेक्स्ट में मूव करूंगा आई विच ऑफ द फॉलोइंग चॉइसिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंसेज एज पर सी एस टे जब हम कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ते हैं टेन दैट इज डायरेक्ट एक्सपेंसेज तो वहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स गिवन है कि ये खर्चे सी एस टेन में कवर किए जाते हैं तो क्वेश्चन जानना चाहता है कौन सा इसमें वो एग्जाम्पल है स्पेशल रॉ मटेरियल विच इज ए सब्सटेंशियल पार्ट ऑफ प्राइम कॉस्ट इट इज ए पार्ट ऑफ रॉ मटेरियल मटेरियल कॉस्ट ट्रेवलिंग एक्सपेंसेज टू साइट यस जब हम सी एस टेन पढ़ते हैं तो वहां पे स्पेसिफिकली ट्रेवलिंग एक्सपेंसेज टू साइट इज कवर्ड इन डायरेक्ट एक्सपेंसेज इसके अलावा ओवरटाइम चार्जेस कवर नहीं होता फैक्ट्री ओवरहेड का पार्ट होता है कैटलॉग ऑफ प्राइसेज आपका सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट होता है नेक्स्ट क्वेश्चन जे व्हेन यू अटेम्प्ट ए रिकॉन्सिलिएशन ऑफ प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट्स एंड कॉस्ट अकाउंट्स। जब आप फाइनेंशियल और कॉस्ट अकाउंट के प्रॉफिट का रिकॉन्सिलियन करते हो तो विच ऑफ तो क्या करते हैं एड द अंडर अब्जॉर्प्शन ऑफ ओवर इन कॉस्ट अकाउंट इफ यू स्टार्ट फ्रॉम द प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट अगर हम टॉप पे प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट लें तो उस सिचुएशन में हम उसमें अंडर ऑब्जॉर्प्शन एड करेंगे बिल्कुल सही है हम उसमें ये एड ही करते हैं क्योंकि जब हम ऊपर कॉस्ट अकाउंटिंग का प्रॉफिट लेते हैं तो अंडर ऑब्जॉर्प्शन माइनस करते हैं तो अगर आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग का लोगे तो वो एड होगा तो आंसर तो आपको फर्स्ट पॉइंट में ही मिल गया बट अगर मैं आगे पढ़ू सेकेंड थर्ड और फोर्थ ऑप्शन तो सेकेंड पॉइंट कहता है एड द अंडर ऑब्जॉर्प्शन ऑफ ओवर इन कॉस्ट अकाउंट अगर हम प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंटिंग से स्टार्ट करें तो सर इस सिचुएशन में तो हम अंडर ऑब्जॉर्प्शन लेस करते हैं क्योंकि ऊपर जब आप प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट लेते हो लेस तो आइटम इसके बाद थर्ड ऑप्शन है एड द ओवर ऑब्जॉर्न ऑफ ओवर एड इन अकाउंट इफ यू स्टार्ट फ्रॉम द प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल ओवर ऑब्जॉप कॉस्ट अकाउंटिंग से जब हम स्टार्ट करते हैं तो ऐड होता है तो अगर यहां पर फाइनेंशियल अकाउंटिंग से स्टार्ट करूंगा तो यह माइनस होगा तो थर्ड पॉइंट गलत है हाँ यहाँ फोर्थ पॉइंट है एड द ओवर ऑब्जॉर्प्शन ऑफ ओवर एड इन कॉस्ट अकाउंट इफ़ यू स्टार्ट फ्रॉम द प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट्स तो ये कहता है अगर मैं प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट से स्टार्ट करूँ तो उस सिचुएशन में ओवर ऑब्जॉपन एड होगा तो यहाँ पे मेरा तो ये मानना है इंस्टीट्यूट ने ऑप्शन जो है वो थोड़ा सा गलत दिए हैं क्योंकि तो मेरे अकॉर्डिंगली इसमें पॉइंट नंबर वन भी सही है और पॉइंट नंबर फोर भी सही है मैंने आपको करेक्ट आंसर बता दिया है अगर मैं सही रीड कर रहा हूं तो ठीक है जी आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के जो कि एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन दिखाई दे रहा है ए सर्टन प्रोसेस नीडेड स्टैंडर्ड लेबर ऑफ ट्वेंटी फोर स्किल्ड आवर्स एंड थर्टी अनस्किल्ड लेबर आवर्स एट रुपी सिक्सटी एंड फोर्टी रेस्पेक्टिवली एज द स्टैंडर्ड लेबर रेट्स एक कंपनी ने सोचा है कि स्किल्ड लेबर 24 घंटे काम करेगी और अनस्किल्ड लेबर 30 घंटे काम करेगी हम उनको 60 और 40 का रेट पर आवर पे करेंगे एक्चुअल में 20 एंड 25 लेबर आवर्स यूज एट रुपी फिफ्टी एंड रुपी फिफ्टी रेस्पेक्टिवली एक्चुअल में दोनों ही लेबर को आपने 50 50 पर आवर पे किया और 20 और 25 लेबर आवर्स उन्होंने वर्किंग करी क्वेश्चन जानना चाहता है व्हाट लेबर मिक्स तो लेबर मिक्स है फॉर्मूलाइव तो आप रिवाइज स्टैंडर्ड आवर्स कैलकुलेट करते हो उसके लिए आप क्या करते हो जो एक्चुअल लेबर आवर्स होते हैं जो कि यहाँ पे फोर्टी दिखाई दे रहा है इसको आप स्टैंडर्ड लेबर के आवर्स जो होते हैं उस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हो अगर मैं 45 को 24:30 के रेशियो में जो कि फोर टू फाइव का रेशियो है अगर मैं 45 को फोर टू फाइव के रेशियो में रखूं, तो ये 20 और 25 फाइव ही आ रहा है मतलब और एक्चुअल सेम आ रहे हैं तो अगर मैं आवर्स आवर्स तो वो तो जीरो हो जाएगा तो आंसर यहां पे जो आएगा वो आपका थर्ड पॉइंट आएगा दैट इज जीरो फाइनल आंसर विल बी जीरो नेक्स्ट आई विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट एप्रोप्रिएटली डिफाइंस आइडल टाइम आइडल टाइम की डेफिनेशन इसमें से क्या है टाइम स्पेंट बाय वर्कर्स इन ऑफिस अब टाइम जो ऑफिस में बिताएगा एक वर्कर सारा का सारा आइडल टाइम कैसे हो सकता है टाइम स्पेंट बाय वर्कर्स इन फैक्ट्री और फैक्ट्री में जो टाइम बिताएगा वो भी सारा का सारा आइडल टाइम तो नहीं हो सकता टाइम स्पेंट बाई वर्कर्स ऑफ दियर वर्क ऑफ दियर वर्क का मतलब टाइम वो स्पेंड तो कर रहा है लेकिन काम के अलावा बिना काम का टाइम और टाइम स्पेंड बाई वर्कर्स ऑन दियर जॉब जॉब पे करेगा वो तो प्योर वर्किंग आवर्स है ही तो आंसर होगा आपका थ्री वो टाइम जो वर्क के अलावा वो बिताता है दैट विल बी द इडल टाइम नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोविंग स्टैंडर्ड डी विद द प्रिंसिपल एंड मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग डेप्रिशिएशन एंड अमोटाइजेशन कॉस्ट याद करो कि सी एस सिक्सटीन होता है जो कि हमारे साथ डेप्रिशन और अमोटाइजेशन कॉस्ट की बात करता है तो आंसर विल भी सी एस सिक्सटीन ये चीजें तो जस्ट याद वाली है अगर आपको याद है तो विद इन फाइव टू टेन सेकेंड आप आंसर दे सकते हो याद नहीं है तो आधे घंटे भी सोचते रहो ऐसी चीजें याद नहीं आने वाली नेक्स्ट क्वेश्चन एन वेयर द कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट्स आर इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर जो कि हम नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग में करते हैं इट इज टू डिस्पेंसेबल टू और हम बात करते हैं कि जब नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम फॉलो किया जाता है तो उसमें रिकॉन्सिलेशन जरूरी हो जाता है एज देयर आर डिफरेंसेज इन द प्रॉफिट ऑफ टू सेट्स ऑफ बि क्वेश्चन जानना चाहता है चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड फ्रॉम द चॉइसेस बिलो तो आंसर विल बी वन रिकनसाइड नेक्स्ट क्वेश्चन ओ ए जॉब कॉस्ट सिस्टम कॉस्ट आर एक्यूमुलेटेड जॉब कॉस्टिंग सिस्टम में जो भी कॉस्ट होती है वो हम स्पेसिफिक जॉब से चार्ज करते हैं तो आंसर विल बी सेकेंड पॉइंट बाई ए स्पेसिफिक जॉब ये जो फर्स्ट फोर्टी क्वेश्चन दिए हैं एक एक नंबर के सिंपली मैं यही कहूंगा अगर प्रैक्टिकल क्वेश्चन है तो उसको सॉल्व करने में मे आपको एक से दो मिनट लग जाए एक मिनट ही लगेगा लेकिन अगर थ्योरी है तो आप 10 से 20 सेकंड के अंदर अंदर क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो मैं यहां पे आपको थोड़ा थोड़ा समझा भी रहा हूं इसकी वजह से मुझे मे बी वन मिनट का टाइम लग रहा हो सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब ए फिक्स्ड कॉस्ट फिक्स्ड कॉस्ट की डेफिनेशन इनमें से कौन सी है इट मे चेंज इन टोटल वेयर सच चेंज इज अनरिलेटेड टू चेंज इन प्रोडक्शन फिक्स्ड कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो कि प्रोडक्शन में चेंज होने की वजह से चेंज नहीं होती कॉन्स्टेंट रहती है बट पॉइंट नंबर वन कहता है इट मे चेंज इन टोटल टोटेलिटी में ये चेंज हो सकती है अगर वो चेंज प्रोडक्शन से रिलेटेड ना हो अनरिलेटेड हो तो हाँ हो सकती है सिंपल सी बात मैं कहूँ मान लो मेरे एक पास एक मशीन है जिसपे दस हजार रुपए का डेपरेशन लग रहा है एस एल एम बेसिस पे फिक्स कॉस्ट है अब मैं एक और नई मशीन ले आऊंगा तो डेपरेशन तो बढ़ जाएगा हालांकि वो फिक्स कॉस्ट है बट प्रोडक्शन की वजह से नहीं वो एक नई मशीन आने की वजह से बढ़ गया या फिर रेंटल की बात करें रेंट आप दस हज़ार रुपये पर मंथ पे कर रहे हो इतनी भी यूनिट बनाओ डजेंट मैटर लैंड लॉर्ड ने रेंट बढ़ा दिया तो वो वॉल्यूम और प्रोडक्शन पे डिपेंड नहीं कर रहा तो पॉइंट नंबर वन मुझे ठीक लग रहा है करेक्ट आंसर दिस इज द करेक्ट आंसर बट फिर भी मैं बाकी ऑप्शन भी एक बार रीड कर देता हूं इट मे चेंज इन टोटल फिर सच चेंज इज रिलेटेड टू प्रोडक्शन नहीं प्रोडक्शन की वजह से तो वेरिएबल कॉस्ट में चेंज आता है टोटेलिटी में इट इज कॉन्स्टेंट पर यूनिट पर यूनिट तो कॉन्स्टेंट वेरिएबल कॉस्ट रहती है फिक्स कॉस्ट तो टोटेलिटी में कॉन्स्टेंट रहती है और पर यूनिट वो चेंज हो जाती है इट मे चेंज इन टोटल सच चेंज डिपेंड्स ऑन प्रोडक्शन विद इन द रेलिवेंट रेज नहीं फिक्स्ड कॉस्ट का आप ये मान के चलो प्रोडक्शन से कोई रिलेशन ही नहीं है तो जहां पे लिखा हुआ है कि नहीं प्रोडक्शन से इसका कोई रिलेशन ही नहीं है अनरिलेटेड टू प्रोडक्शन अनरिलेटेड टू प्रोडक्शन दैट विल बी द आंसर नेक्स्ट क्यू इक्विवेलेंट प्रोडक्शन इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ विच वर्ड अकॉर्डिंग टू यू एप्रोप्रिएटली फिल इन द अबव ब्लैंक

पॉइंट नंबर सिंपली दीज आर सिंपलीटिकल क्वेश्चन आपको देखते ही क्वेश्चन पढ़ते ही आंसर पता चल जाना चाहिए नेक्स्ट क्वेश्चन एस देयर इज ए लॉस एज पर फाइनेंशियल अकाउंट अमाउंटिंग टू टेन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड तो मैं नेगेटिव में लिखूंगा दस हजार छह सौ रुपए प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट या लॉस एज पर फाइनेंशियल अकाउंट नेगेटिव फिगर डोनेशन कॉस्ट अकाउंटिंग में शो नहीं किया जाता नॉट शोन इन कॉस्ट अकाउंट अमाउंट टू सिक्स थाउजेंड अगर मैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग का ऊपर प्रॉफिट ले रहा हूं तो मैं बैक कर लूंगा डोनेशन क्योंकि वो कॉस्टिंग में शो नहीं किया होगा तो टेन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड नेगेटिव फिगर थी उसमें छह हजार रुपए डोनेशन एडबैक कर लिया वट वुड बी द प्रॉफिट और लॉस एज पर कॉस्ट अकाउंट तो कॉस्ट अकाउंटिंग का लॉस आ गया फोर्टी सिक्स हंड्रेड फोर्टी सिक्स हंड्रेड लॉस दिया हुआ है थर्ड पॉइंट में थर्ड पॉइंट विल बी योर आंसर थर्ड पॉइंट विल बी ऑर आंसर नेक्स्ट मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक फॉलो विच ऑफ द फॉलोइंग बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन मार्जिनल कॉस्टिंग में जब हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं तभी हम कहते हैं तीन तरीके की कॉस्ट वेरिएबल फिक्स्ड सेमी वेरिएबल वो कौन सा बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन होता है सर हम कहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर कॉस्ट को तीन पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है वेरिएबल फिक्सड सेमी वेरिएबल answer will be third point behavior wise behavior wise आपको समझाते हुए मैंने अराउंड आई थिंक 18 से 20 मिनट में ये क्वेश्चन कर लिया आप भी कर सकते हो ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि सर आप टीचर हो तो आप कर पा रहे हो हम नहीं कर पाएंगे बिल्कुल कर पाओगे अगर आपकी तैयारी अच्छी है आपके कांसेप्ट क्लियर हैं तो इन क्वेश्चन को करने में आपको मुझसे ज्यादा टाइम नहीं मुझसे कम लगेगा क्योंकि मैं तो आपको यहाँ पे थोड़ा अंडरस्टैंड करवाने की भी कोशिश कर रहा हूं आपका तो वहां पे दिमाग चलेगा जबान नहीं मेरी तो यहाँ पे जबान चल रही है वहां पे आपका तो दिमाग चलेगा और दिमाग ज्यादा तेज चलता है जबान से ये चीज ध्यान रखना हमेशा सेक्शन बी पे आता हूं फिर से ये ट्वेंटी मार्क्स का क्वेश्चन है एक एक नंबर के बीस क्वेश्चन पूछे हुए हैं क्वेश्चन है यू आर रिक्वायर्ड टू आंसर ऑल द क्वेश्चन ईच क्वेश्चन कैरीज वन मार्क इंस्ट्रक्शन है ज फॉलोड बाई ए स्पेस वेयर यू आर रिक्वायर टू टाइपर आंसर ये जो टाइप योर आंसर हेयर का हमारे पास स्पेस uh, गिवन है यहां पर हमें इसका आंसर टाइप करना है हमें यहां पर इसका आंसर टाइप करना है पॉइंट नंबर ए इन स्टैंडर्ड कॉस्ट ब्लैंक नॉर्म इज अप्लाइड एज ए स्केल ऑफ रेफरेंस फॉर एसेसिंग एक्चुअल कॉस्ट टू सर्व एज ए बेसिस ऑफ कॉस्ट कंट्रोल वट वर्ड और वर्ड अप्रोप्रिएटली फिल्लैंक अब तो सिंपल अगर आपको डेफिनेशन याद है स्टैंडर्ड कॉस्ट की तो कि हम पहले ही चैप्टर में जब क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट पढ़ते हैं तो वहां पे हम क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट में स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की डेफिनेशन भी पढ़ते हैं स्टैंडर्ड कॉस्ट और एस्टिमेटेड कॉस्ट की डेफिनेशन हम वहां पे पढ़ते हैं प्री डिटरमाइंड कॉस्ट का ये पार्ट होता है यहां पे लिखना है इन स्टैंडर्ड कॉस्ट प्री डिटरमाइंड नॉर्म क्योंकि स्टैंडर्ड जो होते हैं वो पहले से डिटरमाइन होते हैं तो यहां पे आपको प्री डेटरमाइंड केवल और केवल टाइप करना है प्री नॉर्म इज अप्लाइड पहले से जो नॉर्म्स पहले से जो डेटा हमने डिटरमाइन किया होता है उसको अप्लाई करते हैं और उसको एक्चुअल कॉस्ट के साथ एसेस करते हैं कंपेयर करते हैं और उसके अकॉर्डिंगली हम कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए स्टैंडर्ड कॉस्टिंग मेथड अप्लाई करते हैं पॉइंट नंबर बी व्हाट वर्ड और वर्ड्स अप्रोप्रिएटली फिल इन द ब्लैंक्स अबाउट इन ऑब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग ब्लैंक इज एडेड टू इन्वेंट्री याद करो जब हम मार्जिनल और कॉस्टिंग में मेन डिफरेंस देखते हैं तो हम कहते हैं कि ऑब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में जब इन्वेंट्री वैल्यू की जाती है तो उसमें फिक्स कॉस्ट भी एड होती है जबकि मार्जिनल कॉस्ट में नहीं होती है. तो यहां पे आप लिख सकते हो टाइप कर सकते हो फिक्सड कॉस्ट इज एडेड टू इन्वेंट्री ऑब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में इन्वेंट्री के अंदर फिक्स्ड कॉस्ट भी एड होती है नेक्स्ट सी बाई प्रोडक्ट्स जॉइंट प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट्स मे अंडर गो फर्दर प्रोसेसिंग बिफोर सेल बिल्कुल जब हम बाई प्रोडक्ट की बात करते हैं तो हम कहते हैं वो स्क्रैप जिस पे ऑर्गेनाइजेशन फर्दर प्रोसेसिंग करके उसको किसी प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दे उसको बाई प्रोडक्ट बोला जाता है तो ऑफ कोर्स बाई प्रोडक्ट को बनाने के लिए आपको बिफोर सेल फर्दर प्रोसेसिंग करनी होती है अपने को यहां पे आंसर देना है ट्रू या फॉल्स तो सर ये ट्रू है सर ये ट्रू है नेक्स्ट डी अगेन कहते हैं स्टेटमेंट स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और फोल्स इन केस ऑफ मटीरियल दैट सफर लॉस इन वेट ड्यू टू इवेप्यूरेशन एटसेट्रा मतलब इवेप्यशन की वजह से आपका वेट लॉस हो गया सिंपल सी बात है एक प्लेस से दूसरी जगह आप कॉटन वगैरह लेकर आ रहे थे और वो सूख गई कॉटन जिसकी वजह से उसका वेट कम हो गया पहले हो सकता है थोड़ी गिली थी बाद में सूख गई उसका वेट कम हो गया तो क्वेश्चन जानना चाहता है द इश्यू प्राइस ऑफ द मटीरियल इज इन्फ्लेटेड टू कवर अप द लॉस तो क्वेश्चन यहाँ पे कहता है कि हम क्या करते हैं इस लॉस को कवर करने के लिए मटीरियल का जो इश्यू प्राइस होता है उसको इन्फ्लेट कर देते हैं और ये बिल्कुल ट्रू है हालांकि ये इस बात पे जरूर डिपेंड करता है कि वो नॉर्मल है कि अब नॉर्मल डिपेंडिंग अपॉन एजम्शन कि सर ये नॉर्मल है तो ये ट्रू है अब नॉर्मल है तो ये फॉल्स हो सकता है बट नॉर्मली ऐसा होता है कि इस तरीके के जो प्रोडक्ट होते हैं उसमें ये पहले से ही एज्यूम किया जाता है कि जब हम एक प्लेस से दूसरे प्लेस में इनको लेके जाते हैं तो ये वेट लॉस होता ही होता है जिसकी वजह से जिसकी वजह से ये नॉर्मल कंसीडर आप कर सकते हो अकॉर्डिंगली इट्स आंसर विल बी ट्रू तो बेटर इसका आंसर बेटर एजम्पशन यही है कि नॉर्मल मानो और ट्रू इसका आंसर लिखो इसके बाद नेक्स्ट है वॉट वर्ड और वर्ड एप्रोप्रिएटली फिल इन द ब्लैंक बिलो वन ऑफ द डिसएडवांटेज ऑफ ओवर टाइम वर्किंग इज इनकरिंग एडिशनल लेबर कॉस्ट सिंपल सी बात है अगर आप ओवर टाइम में वर्किंग करते हो तो आपको एडिशनल लेबर कॉस्ट पे करनी पड़ती है वो भी हायर रेट के साथ तो आप लिख सकते हो आ, एक्सेस लेबर कॉस्ट टाइपिंग ऑप्शन है आपके पास लिख सकते हो एक्सेस लेबर कॉस्ट विद हायर रेट ड्यू टू ओवर टाइम प्रीमियम अगर टाइपिंग का ऑप्शन है मेरे पास तो ये ऐसा तो है नहीं कि मुझे वन वर्ड ही लिखना है मैं खुल के आंसर लिख सकता हूं कि हायर रेट पे होता है एडिशनल लेबर कॉस्ट पे होती है कारण क्या है ओवर टाइम प्रीमियम पे करने की वजह से नेक्स्ट क्वेश्चन पॉइंट नंबर एफ एक कॉलम वन में लिखा हुआ है कंपोनेंट ऑफ कॉस्ट शीट कॉस्ट शीट का कंपोनेंट क्या होता है हाई इनिशियल कॉस्ट या रेफरेंस टू द जॉब बिल्कुल देखो कॉस्ट शीट में हम जो जॉब जो से रिलेटेड खर्चे होते हैं वही लिखते हैं हाई इनिशियल कॉस्ट का तो इसके साथ एज सच कोई रिलेशन नहीं है क्वेश्चन कहता है यहां पे मैच द आइटम वन इन कॉलम वन मैच द आइटम वन आइटम वन ऑफ कॉलम वन विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट आइटम इन कॉलम टू बी तो है तो स्टेट द आइटम नंबर ओनली तो आप यहां पे सिंपली बी लिख सकते हो आप यहां पे सिंपली बी लिख सकते हो नेक्स्ट जी पॉइंट स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट और इनकरेक्ट करेक्ट है या इनकरेक्ट वो बताना है स्टेटमेंट फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट अप्लाइड टू ए जॉब इज यूजुअली बेस्ड ऑन ए प्री रेट तो बिल्कुल करेक्ट है आप जब ओवर का चैप्टर पढ़ते हो तो हम वहां पे अब रेट कैलकुलेट करते हैं दैट इज ऑल्सो नॉन एज प्री रेट और उसके बेसिस पे हम जॉब कॉस्टिंग में कॉस्ट अप्लाई करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन एच ऑपरेशन कॉस्टिंग एंड ऑपरेटिंग कॉस्टिंग आर इंटरचेंजेबली यूज फॉर द सेम टेक्निक ऑफ कॉस्टिंग ना ना बिल्कुल नहीं ऑपरेटिंग कॉस्टिंग तो सर्विस कॉस्टिंग का पार्ट है जबकि ऑपरेशन कॉस्टिंग प्रोसेस कॉस्टिंग में कवर किया जाता है तो यू डू यू एक्सेप्ट और रिजेक्ट स्टेटमेंट तो हम इस स्टेटमेंट को रिजेक्ट कर देंगे क्योंकि ये स्टेटमेंट तो टोटली totally गलत है ऑपरेशन कॉस्टिंग ऑपरेशन कॉस्टिंग दिखने में सेम से वर्ड है बट ऑपरेशन कॉस्टिंग इज द पार्ट ऑफ प्रोसेस जबकि ऑपरेटिंग कॉस्टिंग तो सर्विस कॉस्टिंग को बोला जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन आई फॉलोविंग इज टू और मार्जिनल एंड अब्जॉर्ब कॉस्टिंग वेरिएबल फैक्ट्री ओवर हेड ट्रीटेड एज डायरेक्ट कॉस्ट ओवर हेड लिखा हुआ है ओवर हेड को आप डायरेक्ट कॉस्ट कैसे मान लो गोर्स so ये फोल्स है जब ओवरहेड वर्ड ही लिख दिया तो आप इसको डायरेक्ट कॉस्ट कैसे मान सकते हो नहीं मान सकते दिस इज फॉल्स नेक्स्ट जे वर्ड और वर्ड्स अप्रोप्रिएटली फिलिंग द ब्लैंक्स बिलो इन द ग्राफ शोइंग द एंगल ऑफ इंसिडेंस जब हम एंगल ऑफ इंसिडेंस का ग्राफ शो करते हैं वेन द क्वान्टिटी जीरो देखो सिंपल सी बात ये होती है जब आप जीरो क्वांटिटी बनाते हो तो आपकी वेरिएबल कॉस्ट तो इनकर होगी नहीं क्योंकि वो तो प्रोडक्शन के साथ साथ होती है हाँ फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो तो कॉन्स्टेंट रहती है भले ही मैं जीरो यूनिट बनाऊँ दस बनाऊ पचास बनाऊ फिक्सड कॉस्ट इनकर होती है क्वेश्चन जानना चाहता है टोटल कॉस्ट लाइन कट द कॉस्ट एक्सिस वाई एक्सिस एट विच कॉस्ट वैल्यू आंसर होगा सर फिक्स्ड कॉस्ट वैल्यू क्योंकि इस सिचुएशन में टोटल कॉस्ट आपकी कुछ नहीं टोटल कॉस्ट आपकी फिक्स्ड कॉस्ट के इक्वल ही होगी तो टोटल कॉस्ट लाइन फिक्स्ड कॉस्ट लाइन को वाई एक्सिस पे कट कर देगी नेक्स्ट व्हाट इज द नेम द टाइप ऑफ लॉस फॉर विच ए प्रोसेस अकाउंट इज क्रेडिटेड विद वैल्यू कहते ते उस लॉस का नाम बताओ जो कि हम प्रोसेस अकाउंट में वैल्यू के साथ क्रेडिट करते हैं दोनों तरीके के लॉसेज हम करते हैं नॉर्मल लॉस भी क्रेडिट साइड में आता है अब नॉर्मल लॉस भी क्रेडिट साइड में आता है लेकिन कहते हैं फॉर सच लॉस स्क्रैप वैल्यू इज जीरो अगर स्क्रैप वैल्यू जीरो है तो नॉर्मल लॉस में तो कोई वैल्यू आएगी नहीं वहां तो डैश लिख दोगे या जीरो लिख दोगे लेकिन जो अब नॉर्मल लॉस है भले ही स्क्रैप वैल्यू जीरो क्यों ना हो लॉस तो कॉस्ट वैल्यू पे वहाँ पे रिकॉर्ड किया जाता है तो भी अब नॉर्मल नेक्स्ट आई वट इज द चेंज इन पीवी रेशियो विथ इंक्रीज इन फिक्स कॉस्ट पीवी रेशियो का फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन अपॉन में सेल्स इन टू हंड्रेड तो सर वो चेंज होगा ड्यू टू चेंज इन सेलिंग प्राइस या ड्यू टू चेंज इन वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट फिक्स्ड कॉस्ट में चेंज होने की वजह से उस पर कोई इंपैक्ट नहीं आएगा तो व्हाट इज द चेंज इन प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो विद इन फिक्स्ड कॉस्ट नो चेंज क्या आप लिख सकते हो कॉन्स्टेंट कोई चेंज नहीं आएगा कॉन्स्टेंट रहेगा टाइपिंग ऑप्शन है आपके पास तो आप थोड़ा सा खुल के आंसर दे सकते हो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ए, होटल हैविंग हंड्रेड रूम्स ऑफ विच एट्टी परसेंट आर नॉर्मली ऑक्युपाइड इन समर हंड्रेड रूम्स हैं जिसमें से समर में एट्टी रूम ऑक्युपाइड रहते हैं एंड ट्वेंटी फाइव परसेंट इन विंटर तो हंड्रेड का ट्वेंटी फाइव परसेंट पच्चीस रूम ऑक्युपाइड रहेंगे विंटर में पीरियड ऑफ समर एंड विंटर भी टेकन है सिक्स मंथ ईच छः महीने का आप समर पीरियड मानो छः महीने का विंटर पीरियड एंड नॉर्मल डेज इन ए मंथ बी एज्यूम टू वि थर्टी इसका मतलब थर्टी इंटू सिक्स एक सौ अस्सी दिन समर के एक सौ अस्सी दिन विंटर के वट इज द वैल्यू ऑफ टोटल ऑक्युपाइड रूम डेज तो सर समर में अस्सी रूम ऑक्युपाइड रहेंगे तो अस्सी इंटू एक सौ अस्सी फोर्टीन थाउजेंड फोर हंड्रेड विंटर में ट्वेंटी फाइव इंटू वन एट्टी फोर्टी फाइव हंड्रेड दोनों का टोटल किया तो अट्ठारह हजार नौ सौ एटीन थाउजेंड नाइन हंड्रेड विल बी ऑर आंसर नेक्स्ट इन ए प्रोसेस उसेंड यूनिट आर इंट्रोड्यूस इन ए प्रोसेस सिक्स थाउजेंड यूनिट आर इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग ए पीरियड ठीक है छ हजार तो से पांच परसेंट आपका नॉर्मल लॉस है क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस विच इज सिक्सटी परसेंट कंप्लीट एट हंड्रेड यूनिट आठ सौ यूनिट क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस में है तो सिक्सटी परसेंट कंप्लीट है तो एट हंड्रेड का सिक्सटी परसेंट फोर एटी यूनिट 4900 कंप्लीटेड यूनिट्स आर ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस इसका मतलब 4900 आपने यूनिट्स कंप्लीट करी है हाउ मच इज द इक्विवेलेंट प्रोडक्शन फॉर द प्रोडक्ट पीरियड इन यूनिट्स इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स बतानी है तो सर जो इनपुट है वो हम इनपुट में लिखते हैं आउटपुट में आता ही नहीं है नॉर्मल लॉस जो है वो कहीं भी यूनिट्स में तो आता नहीं आउटपुट में जरूर आता है बट मटेरियल लेबर ओवरहेड की किसी यूनिट में तो आता नहीं है क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस 800 का 60 परसेंट फोर तो ये आ जाएगा और 4900 जो कंप्लीट करिए वो तो आएगी आएगी 5380 5380 विल विल बी योर करेक्ट आंसर बी योर करेक्ट आंसर नेक्स्ट ओ विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इन कॉलम ए इज करेक्टली मैच विदेस्पॉन्डिंग आइटम इन कॉलम बी मैच द फॉलोइंग है कॉलम ए में लिखा हुआ है इंप्यूटेड कॉस्ट Captive power plant expenses, column B में लिखा हुआ पीएल ट्रीटेड एज पार्ट ऑफ फैक्ट्री एक्सपेंस देखो इम्प्यूटेड कॉस्ट जो होती है इम्प्यूटेड कॉस्ट मतलब नॉशनल कॉस्ट जो कि कॉस्ट काउंटिंग में तो दिखाना अलाउड है और वो फैक्ट्री ओवर का पार्ट होता है पीएल में तो नहीं जाता कैप्टिव पावर प्लांट एक्सपेंसिस कैप्टिव पावर प्लांट एक्सपेंसिस का मतलब उस पावर प्लांट पर आप खर्चे कर रहे हो जो कि हम कैप्टिव कंज्यूम करेंगे कैप्टिव का मतलब होता है अपने प्रोडक्शन में यूज करेंगे तो वो भी कॉस्टिंग पीएल में तो नहीं जाता वो भी फैक्ट्री ओवरहेड में ही खर्चे बुक किए जाते हैं तो इसका मतलब दोनों ही पॉइंट वन और टू जो है वो कॉलम बी के सेकेंड पार्ट से मैच करता है तो इसका आंसर मैं लिख दू पार्ट इसका आंसर मैं लिख दू पार्ट दोनों ही इम्प्यूटेड कॉस्ट कैप्टिव पावर प्लांट एक्सपेंसेस दोनों ही एज ए पार्ट ऑफ फैक्ट्री एक्सपेंसेस होते हैं आप लिख सकते हो बोथ आर ट्रीटेड ज पार्ट ऑफ फैक्ट्री एक्सपेंस जैसा कि मैं बार बार बोल रहा हूं टाइपिंग ऑप्शन है तो टाइप करो ना क्यों शर्माते हो थोड़ा कुल के आंसर दो ताकि एग्जामिनर को भी पता चले कि हाँ हमें आंसर आता है बट ज्यादा कुल के भी देने की कोशिश मत करना कि टाइम वेस्ट हो जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पी विच मेथड इज फॉलोड फॉर इवेल्युएशन ऑफ इक्विल प्रोडक्शन वेन प्राइसेज आर फ्लक्चुएटिंग फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड फॉलो किया जाता है इक्विवेलेंट प्रोडक्शन के लिए जब प्राइस फ्लक्चुएट कर रहे होते हैं तो आंसर विल बी फर्स्ट फर्स्ट इन आउट नेक्स्ट क्वेश्चन फर्म हैज फिक्स्ड एक्सपेंसेस सेल है तीन लाख की प्रॉफिट है साठ हजार का पी वी रेशियो क्या होगा सर so सेल का फॉर्मूला अप्लाई कर लो सेल इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट अपॉन मे पीवी रेशियो सेल तीन लाख फिक्स्ड कॉस्ट है नब्बे हजार प्लस साठ हजार आपका प्रॉफिट डिवाइडेड बाई फिफ्टी परसेंट फिफ्टी परसेंट नेक्स्ट व नेम ऑफ द डॉक्यूमेंट विच डिस्क्राइब द बजटिंग ऑर्गेनाइजेशन बजटिंग प्रोसीजर एटसेट्रा सर बजट मैनुअल होता है जिसमें लिखा हुआ होता है कि क्या प्रोसीजर होगी कब कौन सा बजट बनेगा कौन सा बजट किसको बनाना है कौन सा बजट किसके सामने प्रेजेंट करना है सारी की सारी प्रोसीजर उसमें लिखी हुई होती है नेक्स्ट एस एनालिसिस वीरियां कॉस्टिंग टेक्निक बेस्ड ऑन मैनेजमेंट बाई एक्सेप्शन मैनेजमेंट बाई एक्सेप्शन एक्सेप्शन का मतलब होता है डेविएशन कैलकुलेट करना और विरियां एनालिसिस में आप यही तो करते हो प्री डिटरमाइंड सेट होते हैं नॉर्म्स एक्चुअल हमारे सामने आता है तो हम क्या करते हैं वहां पे डेविएशन कैलकुलेट करते हैं बस उसी को मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन बोला जाता in है नेक्स्ट एंड लास्ट टी ड्यूरिंग ए पीरियड एट हंड्रेड इंट्रोड्यूस्ड इन प्रोसेस दैट इज द इनपुट नॉर्मल लॉस है पांच परसेंट तो 800 का पांच परसेंट चालीस यूनिट का आपका लॉस हो जाएगा क्लोजिंग डब्ल्यू आई पी में सौ यूनिट है जो सिक्सटी परसेंट कंप्लीट है इफ द इक्विवेलेंट प्रोडक्शन फॉर द पीरियड इज सेवन ट्वेंटी यूनिट्स उाउ मेनी कंप्लीटेड यूनिट्स वर ट्रांसफर टू द नेक्स्ट प्रोसेस आप अगली प्रोसेस में कितनी यूनिट ट्रांसफर करोगे तो सर आठ सौ यूनिट थी जिसमें से चालीस तो नुकसान हो गई थी तो सेवन सिक्सटी बच गया आठ सौ में से पांच परसेंट निकाल दिया चालीस यूनिट सेवन सिक्सटी बचा अब जो वर्क इन प्रोग्रेस में होती है वो आगे थोड़ी ना ट्रांसफर कर दोगे मतलब हंड्रेड का सिक्सटी परसेंट साठ यूनिट भी आगे आप ट्रांसफर नहीं कर पाओगे साठ यूनिट जो है वो भी आप आगे ट्रांसफर नहीं कर पाओगे और इक्विवेलेंट प्रोडक्शन आपका 720 यूनिट का है मतलब अगर 720 यूनिट का इक्विवेलेंट प्रोडक्शन है तो इसमें 60 यूनिट ये वाली होगी 60 यूनिट ये वाली होगी जो आप आगे ट्रांसफर नहीं कर सकते तो 720 में से यह 60 यूनिट निकाल दो 660 सिक्सटी आप आगे ट्रांसफर कर सकते हो सिक्स सिक्सटी आप आगे ट्रांसफर कर सकते सिंपल आई थिंक आई थिंक मुझे जो यहाँ पे टाइम लगा होगा वो लगा होगा 40 मिनट के अराउंड लगा है 40 मिनट्स के आसपास शायद ये टाइम लगा है मे बी दो पाँच मिनट ज्यादा हो 50 में से 40 मिनट्स मुझे लगे ये बिल्कुल भी मत सोचना कि सर आप एज ए टीचर ये कर रहे हो इस वजह से 40 मिनट्स लगाए हम कैसे करेंगे नहीं बेटा मैंने जितना बोला है आपको इतना बोलना ही नहीं है इवन आपको तो चूं भी नहीं करनी आपको तो केवल और केवल आंसर लिखना है अगर एज ए स्टूडेंट मेरे सामने ये रखा जाए और मैं आपको बिल्कुल भी समझाने की कोशिश ना करूं पंद्रह मिनट में बेटा मैं ये आंसर कर सकता आप अगर मैं बात करूं आपके अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है कि फिफ्टी मिनट्स लगेंगे भी नहीं आपको थर्टी मिनट्स हाफ एन आवर में आप ये फोर्टी मिनट्स का क्वेश्चन कर लोगे और अगर आपने चालीस मिनट के क्वेश्चन आधे घंटे में कर लिया आपका कॉन्फिडेंस लेवल कहां का कहां होगा ये पेपर बहुत ईजी है दिखने में लग रहा है कि एम इतने मुश्किल है अगर ऐसे पेपर आया तो कैसे सॉल्व करेंगे बड़ा मुश्किल नहीं है हाँ एक प्रॉब्लम छोटी सी ये जरूर मुझे लगती है कि जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं उनमें इन्होंने जो फॉर्मेट दे दिए इससे एक रिजिडिटी बन जाती है कि मुझे उसी फॉर्मेट में अपना आंसर देना पड़ेगा हो सकता है कि मैंने आपको किसी अलग फॉर्मेट में करवाया ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन आपको दिए हूँ लेकिन इंस्टीट्यूट अपने फॉर्मेट के अकॉर्डिंगली चल रहा है वहां पे माइनर से आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है बट फिर भी आज जब आप ये एम का सोल्यूशन देखेंगे मेरे साथ तो आपके वो डाउट भी कहीं ना कहीं क्लियर हो जाएंगे क्योंकि इसमें अच्छी बात यह है कि इंस्टीट्यूट आपको फॉर्मेट बना के दे रहा है अगर फॉर्मेट बना के दे रहा है तो हमें तो क्वेश्चन में से केवल और केवल फिगर्स ही तो फाइंड आउट करनी है वो तो हम कर सकते हैं अगर हम स्टडी करके गए हैं तो नेक्स्ट में मूव करूंगा बिना टाइम वेस्ट किए सर सेक्शन सी यू आर रिक्वायर्ड टू आंसर एनी फोर आउट ऑफ सिक्स क्वेश्चन अगर यहां पे बोला हुआ है एनी फोर आउट ऑफ सिक्स क्वेश्चन तो मैं यहां पे सॉल्व तो आपके साथ ही करूंगा बाकी का आंसर एक बार देख लेंगे लास्ट में करेंगे तो करेंगे तो तो अदरवाइज देखो सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट ने दिया ही है मेन है मेरी आपको ये प्रैक्टिस करवाना कि, कि किस तरीके से हम इस एम को सॉल्व कर सकते हैं अकॉर्डिंगली हम एग्जाम के पेपर को भी सॉल्व कर सकते हैं हालांकि इसमें जितने भी क्वेश्चन है ये सारे के सारे क्वेश्चन हमने ऑलरेडी अपनी वीडियो क्लासेस में कवर करे हुए हैं फिर भी हम ये एमटीपी सॉल्व करेंगे अपना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाने के लिए आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाने के लिए चलिए जी चार क्वेश्चन करने हैं छह में से तो सबसे पहले आई विल सजेस्ट यू आप ये डिसाइड कर लीजिए कि नेक्स्ट छह में से आप कौन से चार क्वेश्चन करने वाले हैं और मैं हमेशा प्रैक्टिकल को प्रीफर करता हूं थ्री ए प्रैक्टिकल है थ्री बी थियोरिटिकल है बट फिल इन द ब्लैंक्स टाइप लग रहा है कर सकते हैं फोर प्रैक्टिकल है ए पार्ट बी पार्ट प्रैक्टिकल सी पार्ट प्रैक्टिकल बी पार्ट प्रैक्टिकल फोर पूरा प्रैक्टिकल है करूंगा ही करूंगा फाइव का ए प्रैक्टिकल बी प्रैक्टिकल करूंगा ही करूंगा फोर करूंगा फाइव करूंगा सिक्स में थ्योरी है ए पार्ट बी पार्ट प्रैक्टिकल है सेवन ए पार्ट प्रैक्टिकल है बी पार्ट प्रैक्टिकल है करूंगा ही करूंगा एट तो थ्योरी है ही मतलब तीन क्वेश्चन तो श्योर हो गए मेरे कि मैं करूंगा ही करूंगा सर सेवन फोर एंड फाइव सेवन फोर एंड फाइव अब यू हैव टू डिसाइड कि सर एट तो नहीं करूँगा एट तो पूरा थ्योरी है तो ऑफ कोर्स थ्योरिटिकल के लिए मैं नहीं जाऊँगा क्योंकि थ्योरी में तो नंबर कटते ही कटते हैं तो मैं जाऊँगा प्रैक्टिकल के लिए आप थर्ड पिक कर सकते हो या फिर सिक्स पिक कर सकते हो थर्ड या सिक्स में से कोई भी पिक कर सकते हो मैं यहाँ पे थर्ड से ही स्टार्ट कर लेता हूँ थ्री फोर फाइव और सेवन मैं करूँगा बाकी डिस्कस जरूर करेंगे थर्ड क्वेश्चन फैक्ट्री है सर्विस डिपार्टमेंट है एस वन और एस टू ध्यान देना यहाँ पे वन एंड एस टू सर्विंग पी टू एंड पी थ्री इक्वली इसका मतलब ये है कि एस वन डिपार्टमेंट जो है वो केवल और केवल पी वन को सर्विसेज देते हैं जबकि एस टू पी टू और पी थ्री को इक्वल सर्विस देते हैं तो सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन का तरीका पता चल गया आपने सर एस वन का जो टोटल आएगा वो सीधा सीधा पी वन में चला जाएगा एस टू का जो टोटल आएगा उसका आधा पी टू में और आधा पी थ्री में चला जाएगा द द फॉलोइंग ओवर अदर आर फ्रॉम बुक्स ऑफ मंथ फॉर द मे ऑफ टू थाउजेंड ट्वेंटी वन ये एक्सपेंसिज किन है रेंट प्लांट रिपेयर डेपरेशन लाइटिंग सुपरविजन फायर इंश्योरेंस रोक कॉस्ट ऑफ आइडल टाइम पावर और सर एक और टेबल गिवन है जिसमें हमारे पास पी वन पी टू पी थ्री एस वन और एस टू का एरिया नंबर ऑफ वर्कर्स वेजेस की अमाउंट प्लांट की अमाउंट स्टॉक की अमाउंट और हॉर्स पावर ऑफ प्लांट गिवन है क्वेश्चन की पहली रिक्वायरमेंट है एलोकेट द ओवरहेड्स अमंग द वेरियस डिपार्टमेंट्स ऑन द मोस्ट अप्रोप्रिएट बेसिस सिंपल कहूं तो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन करना और इसकी वेटेज पांच नंबर की है अच्छी बात यह है क्वेश्चन ने कहा टाइप योर आंसर हेयर फॉर्मेट बना हुआ है स्टेटमेंट ऑफ प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड तो फॉर्मेट को लेकर अपनी कोई टेंशन नहीं है सारे के सारे एक्सपेंसेस लिखे हुए हैं यहाँ पे आपको एक्सपेंस का टोटल लिखना है सर एक्सपेंस का टोटल लिखना है मतलब कॉपी पेस्ट करना है हाँ जी बिल्कुल सही कह रहे हो कॉपी पेस्ट करना है सर इसको तो करो कॉपी पेस्ट सर 7200 रेंट 3600 प्लांट रिपेयर सीक्वेंस में ही आई थिंक 7200 थर्टी सिक्स हंड्रेड ट्वेंटी सेवन हंड्रेड सिक्स हंड्रेड नाइन थाउजेंड थ्री थाउजेंड नाइन हंड्रेड ऊपर नीचे हो गया सेवेंटी टू हंड्रेड थर्टी सिक्स हंड्रेड ट्वेंटी सेवन हंड्रेड सिक्स हंड्रेड था लाइटिंग बीच में लाइटिंग सिक्स हंड्रेड ठीक है नाइन थाउजेंड इज द सुपरविजन इज ओके फायर इंश्योरेंस स्टॉक है थ्री थाउजेंड नाइन हंड्रेड और फिफ्टी फोर हंड्रेड ठीक है बिल्कुल ठीक है इसका टोटल टोटल नहीं बताया था इन्होंने टोटल अपने को करना पड़ेगा कर देता हूँ मैं टोटल कैलकुलेटर अलाउड है तो फिर टोटल करने में किस बात का डर टोटल आ गया थर्टी टू थाउजेंड फोर हंड्रेड ठीक है बेसिस रेंट का बेसिस होता है एरिया प्लांट रिपेयर का हो जाएगा प्लांट वैल्यू डेप्रीशन का भी प्लांट वैल्यू लाइटिंग का लाइट पॉइंट्स होता है अगर लाइट पॉइंट ना हो तो एरिया सुपरविजन का नंबर ऑफ वर्कर्स फायर इंश्योरेंस फॉर स्टॉक के लिए स्टॉक की वैल्यू गिवन है कॉस्ट ऑफ आइडल टाइम वेजेस का बेसिस पावर के लिए हॉर्स पावर सर डिस्ट्रीब्यूट कर दो इसके लिए अपने को रेशियोज देखने पड़ेंगे सर एरिया सर एरिया का रेशियो अगर हम बनाएं 400, 300, 270, 150, 80 सिंपल एक एक जीरो में काट देता हूँ तो ये 40, 30, 27, 15 और 8 रह जाएगा सर 120 आ गया 120 आ गया टोटल तो 7200 है 120 के रेशियो के लिए तो वन के लिए 60 इन टू फोर्टी सर चौबीस सौ थर्टी के लिए 1800 27 के लिए 1620 15 के लिए 900 हंड्रेड एंड एट के लिए इट विल कम 480 नेक्स्ट प्लांट रिपेयर प्लांट की वैल्यू का रेशियो सर प्लांट की वैल्यू का रेशियो अगर मैं बनाऊँ तो इसको सिक्स थाउजेंड से डिवाइड किया जा सकता है सिक्स थाउजेंड से अगर डिवाइड करें तो रेशियो विल बी ट्वेल्व नाइन एट वन ट्वेल्व नाइन एट वन सर ट्वेल्व नाइन एट वन ट्वेल्व नाइन एट वन थर्टी का रेशियो हो गया सर थर्टी टोटल हो गया थर्टी सिक्स हंड्रेड एंड थर्टी के लिए तो so ट्वेल्व के लिए इट विल कम फोर्टीन फोर्टी नाइन के लिए वन थाउजेंड एट्टी एट के लिए नाइन सिक्सटी और वन के लिए वन ट्वेंटी लास्ट में है नहीं आप डैश डाल सकते हो नील डाल सकते हो कुछ भी मत डालो कोई दिक्कत नहीं है फिर से प्लांट वैल्यू के बेसिस पे ही मतलब बारह नौ आठ और एक का रेशियो रहेगा थर्टी ट्वेंटी सेवन हंड्रेड डिवाइड बाई थर्टी इट विल बी 90। नाइनटीन टू ट्वेल्व एक हजार अस्सी नाइन्टीन टू नाइन एट वन जीरो नाइनटीन टू एट सेवन ट्वेंटी एंड नाइन्टी नहीं ला जाएगा नेक्स्ट लाइटिंग एरिया के बेसिस पे एरिया के बेसिस पे अगर मैं बात करूं तो एरिया का रेशियो हमने यहां पे बनाया तो था तो 40, 30, 27, 15 फिफ्टी और एटी ले लेता हूं 120 तो सर टोटल है 600 तो 600 हंड्रेड डिवाइड बाई वन ट्वेंटी पांच रुपए आ गया पांच इंटू चालीस दो सौ पांच इंटू थर्टी वन फिफ्टी फाइव इंटू ट्वेंटी सेवन थर्टी फाइव फाइव इंटू फिफ्टीन सेवेंटी फाइव एंड फाइव इंटू एट फोर्टी चलिए जी आगे चलते हैं सर सुपरविजन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ वर्कर्स नंबर ऑफ वर्कर्स है सर 54 48 36 24 और 18. अगर इन सबको 6 से डिवाइड कर दिया जाए तो 9 8 9 8 9 8 6 4 3 30 आ जाएगा तो नाइन थाउजेंड डिवाइड बाई थर्टी क्या आ गया थ्री हंड्रेड थ्री हंड्रेड इन टू नाइन ट्वेंटी सेवन हंड्रेड एट ट्वेंटी फोर हंड्रेड सिक्स एटीन हंड्रेड फोर ट्वेल्व हंड्रेड एंड थ्री इट विल बी नाइन हंड्रेड नेक्स्ट फायर इंश्योरेंस वॉर स्टॉक स्टॉक वैल्यू के बेसिस पे तो स्टॉक वैल्यू का सिंपल सा रेशियो ये है स्टॉक की वैल्यू के बेसिस पे फोर्टी फाइव ट्वेंटी सेवन एटीन तो आप नाइन से डिवाइड कर दो इसको नाइन थाउजेंड से इट विल बी फाइव थ्री टू फाइव थ्री टू का रेशियो टेन टोटल तो थ्री थाउजेंड डिवाइड बाई टेन है थ्री हंड्रेड आ गया थ्री हंड्रेड इंटू फाइव फिफ्टीन हंड्रेड थ्री हंड्रेड इंटू थ्री नाइन हंड्रेड थ्री हंड्रेड इंटू टू सिक्स हंड्रेड बाकी में लिखना चाहो लिख सकते हो नील नील नहीं लिखना चाहो कोई इश्यू नहीं है सर कॉस्ट ऑफ आइडल टाइम वेजेस के बेसिस पे और वेजेज को अगर मैं डिवाइड कर दू 18,000, 15,000, 12,000, 9,000 और 6,000 3,000 से मैं डिवाइड कर दूं तो चार तीन दो सर तो 900 6,5,4,3,2, सर तो 20 हो गया 900 हंड्रेड डिवाइड बाई ट्वेंटी 45 फाइव फोर्टी फाइव इंटू सिक्स टू सेवेंटी फाइव टू ट्वेंटी फाइव फोर वन एट्टी थ्री नाइन्टी थ्री वन थर्टी फाइव और टू नाइंटी ठीक है इसके बाद लास्ट है पावर पावर को हॉर्स पावर के बेसिस पे और हॉर्स पावर को सबको मैं डिवाइड कर सकता हूं फिफ्टी से तो सर ये आ जाएगा अगर आप देखो जैसे मैं रेशियो बना रहा हूं नहीं भी बनाना चाहो जैसे हॉर्स पावर है तो आप क्या कर सकते है? इसका टोटल कर लो तो 600 प्लस 400 प्लस 300 प्लस डेढ़ सौ प्लस पचास सर ये 1500 आ गया 5400 फोर तो हंड्रेड डिवाइड बाई फिफ्टीन हंड्रेड इंटू सिक्स डायरेक्ट भी कर सकते हो 400 के लिए सर 1440 फोर्टी थ्री हंड्रेड के लिए वन थाउजेंड वन फिफ्टी के लिए फाइव फोर्टी एंड फिफ्टी के लिए वन एट्टी सिंपल टोटल कर दो टोटल कर दो इलेवन सेवन फिफ्टी Eight eight zero five seven zero nine five. थाउजेंड सिक्सटी वन हो गया पॉइंट नंबर वन का आंसर सेकंड पॉइंट कहता है कंप्यूट द ओवरहेड कॉस्ट ऑफ प्राइमरी डिपार्टमेंट पी वन पी टू पी थ्री आफ्टर अपोर्शनमेंट ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट कॉस्ट इसका मतलब आपको सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन करके देना है. फॉर्मेट ऑलरेडी बना हुआ है तो सबसे पहले तो हम ओवर एड कॉस्ट एज पर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन पी वन पी टू पी थ्री का कॉपी कर लेंगे इलेवन सेवन फिफ्टी एट एट जीरो फाइव एंड सेवन जीरो नाइन फाइव उसके बाद हमें जो सर्विस डिपार्टमेंट है क्वेश्चन ने ऊपर ही बोल दिया था कि एस वन को तो केवल और केवल पी वन में सर्विसेज जाती है तो एस वन जो है तीन हजार साठ वो तो पी वन में चला जाएगा 3060, सीधा सीधा और जो पी एस टू है वो पी टू और पी थ्री को इक्वल सर्विस देता है तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट एक सेकेंड एस वन चला जाएगा यहाँ पे थ्री थाउजेंड सिक्सटी पूरा का पूरा और वो है सोलह सौ नब्बे सोलह सौ नब्बे का आधा आधा बांट दो दोनों में आठ सौ पैंतालीस आठ सौ पैंतालीस रुपए दोनों में बांट दो अब यहां पे देखो अगर ये फॉर्मेट बना हुआ है तो कितना जल्दी हमने आंसर सॉल्व कर दिया अदरवाइज हमें इसमें टाइम लगता कहीं ना कहीं फॉर्मेट बना के दिया हुआ है उसका फायदा तो ये है कि अगर हमें फॉर्मेट समझ आ रहा है तब तो हमारे लिए उससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती लेकिन अगर मैंने वो फॉर्मेट देखा नहीं और मैंने किसी और तरीके से किया हुआ है आंसर हमेशा तो फिर उस सिचुएशन में आपको प्रॉब्लम फेस हो सकती है यहां पे वर्किंग नोट में इन्होंने कहा बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट कॉस्ट दिखा दो एस वन तो क्वेश्चन तो ने कहा था पी वन में जाना है और एस टू जो है इक्वल टू पी टू एंड पी थ्री जो क्वेश्चन ने कहा था वैसा ही किया हमने हालांकि ऐसे जैसे कोई वर्किंग नोट की जरूरत तो नहीं लग रही थी बट ठीक है लिखा है इन्होंने तो आप दे सकते हो एक्सप्लेनेशन मैं तो यहां पे यह कलर वगैरह भी कर रहा हूं आपको तो ये भी जरूरत नहीं होगी एग्जाम में चलिए बी क्वेश्चन बी पॉइंट फिल फिलअप द फॉलोइंग टेबल इन अकॉर्डेंस विद द प्रिंसिपल ऑफ सी एस कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड यहाँ पे थोड़ी सी फॉर्मेटिंग मिस्टेक है एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ठीक आएगा ये आपके क्वेश्चन में ही ऐसे ही गिवन था मॉक टेस्ट में तो एज इट इज वैसे ही कॉपी किया गया है पॉइंट नंबर वन है बेसिक वेजेस टू डायरेक्ट वर्कर ठीक है यहाँ पे आंसर में भी ये लिखा हुआ है हमें ये बताना है एम्प्लॉई कॉस्ट एज पर सी ये इंक्लूड होता है एक्सक्लूड होता है या नॉट एप्लीकेबल होता है बेसिक वेजेस टू डायरेक्ट वर्कर जो डायरेक्ट वर्कर को आप बेसिक वेजेस पे करते हो वह इंप्लॉई कॉस्ट में कवर होता है या नहीं सर आंसर इज यस होता है तो इंक्लूडेड इंक्लूडेड डिस्क्लोजर क्या उसका डिस्क्लोजर करना होता है आंसर इज यस एज पर आप अगर कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सेवन पढ़ोगे तो एज पर कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सेवन आपको डिस्क्लोजर देना होता है एलिमेंट ऑफ कॉस्ट की मैं बात करूं तो एलिमेंट ऑफ कॉस्ट जो डायरेक्ट वेजेस होती है डायरेक्ट वर्कर की वेजेस होती है वो तो डायरेक्ट वेजेस का पार्ट होता है वो डायरेक्ट वेजेस का डायरेक्ट वर्कर का पार्ट होता है इसके बाद नॉर्मल आइडल टाइम कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट वर्कर कहते हैं इंप्लॉई कॉस्ट में इंक्लूड होता है एक्सक्लूड होता है या नॉट एप्लीकेबल सर डायरेक्ट वेजेस में तो इंक्लूड नहीं होता है एज पर कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या इसका डिस्क्लोजर करना होता है एज पर सी एस सेवन सर एज़ पर सी एस सेवन तो डिस्कलोजर नहीं करना होता एलिमेंट ऑफ कॉस्ट की मैं बात करूँ तो ये फैक्ट्री ओवरेड का पार्ट होता है सी एस थ्री में चला जाएगा ये फैक्ट्री <coughs> ओवरेट का पार्ट होता है सी एस थ्री में चला जाएगा ये यहाँ पे यहाँ पे कलर ऑलरेडी वही वाला आ रहा है जो कि इंस्टीट्यूट ने दिया है तो ठीक है मैं वही कलर यूज कर लेता हूँ क्यों मैं कलर चेंज करके इसको रेड करूं सिंपल आप ये ध्यान रखो कि ब्लैक के अलावा जो कलर है वो हमने यहां पे लिखे हैं चलिए जी तो ये तो एक छोटा सा क्वेश्चन ही था इसी वजह से मैंने इसको पिक किया था क्योंकि ये थ्योरिटिकल लग रहा है बट थ्योरी है नहीं आपको जस्ट नॉलेज होनी चाहिए प्रैक्टिकल सी एस सेवन की नॉलेज आपको होनी चाहिए क्वेश्चन नंबर थ्री हमारा कंप्लीट है टेन मार्क्स का अराउंड हमें इसको करने में शायद पंद्रह मिनट लग गए होंगे पंद्रह से बीस मिनट के अराउंड क्वेश्चन में लगे होंगे नेक्स्ट नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर फोर करना था मुझे क्वेश्चन नंबर फोर सर बिल्कुल करना था प्योर प्रैक्टिकल क्वेश्चन है करेंगे आप भी तो भी इसमें पानी पियोगे आपका भी तो वहां पे टाइम लगेगा पानी पीने में तो मुझे भी पीना चाहिए ताकि वो टाइम एनालाइज हो पॉइंट नंबर क्वेश्चन नंबर फोर ए फर्म कैन प्रोड्यूस थ्री डिफरेंट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द सेम रॉ मटेरियल यूजिंग द सेम प्रोडक्शन फैसिलिटी एक प्रोडक्ट बनाते हैं एक फर्म है तो प्रोडक्ट कई बनाती है लेकिन सेम रॉ मटेरियल यूज करती है द रिक्विजिट लेबर इज अवेलेबल इन प्लेंटी लेबर को लेकर कोई दिक्कत नहीं है वो प्लेंटी में अवेलेबल है मतलब काफी सारी अवेलेबल है हमारे पास एट रुपी एट पर आवर फॉर ऑल द प्रोडक्ट्स द सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल टे पर के जी इज लिमिटेड टू टेन थाउजेंड फोर हंड्रेड के जी फॉर द बजटिंग फैक्टर की फैक्टर का क्वेश्चन है और यहाँ पे रॉ मटेरियल जो है वो आपका लिमिटिंग फैक्टर है वेरिएबल ओवर का रेट लेना है फाइव पॉइंट सिक्स जीरो पर आवर फिक्सड ओवर की कॉस्ट पचास हजार सेलिंग कमीशन टेन परसेंट ऑफ सेल फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन यू नीड टू एडवाइज द फॉर्म ऑन द सेल्स मेक्स विच विल मैक्सिमाइज द फॉर्म

प्रॉफिट स्टेटमेंट बना के देना है टाइप योर आंसर मार्जिनल प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट का फॉर्मेट बना हुआ है अच्छी बात यह है और आपको यहां पे डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर वेरिएबल प्रोडक्शन वेरिएबल सेलिंग ओवर वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट दिखानी है सर अगर ये पर यूनिट दिखानी है तो ऊपर भी सारी चीजें पर यूनिट होनी चाहिए देन सेलिंग कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट आ जाएगा जब सेलिंग प्राइस में से वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट माइनस करोगे देन कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ लिमिटिंग फैक्टर लिखना है देन अकॉर्डिंगली हमें रैंकिंग दे देनी है ठीक है सर यहां पे मैं खर्चे लिखना शुरू करता हूं सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट लिखना है सर मटेरियल का रेट था सर मटेरियल का रेट है आठ रुपए पर के जी और मटीरियल मल्टीप्लाई बाई 8 इसके बाद डायरेक्ट लेबर लिखनी है क्वेश्चन ने कहा था लेबर का रेट भी आठ रुपए पर आवर ही है लेबर का रेट भी आठ रुपए पर आवर है और लेबर आवर्स जो है वो है वन टू और वन पॉइंट फाइव तो ये हो जाएगा एट सिक्सटीन एंड ट्वेल्व एट सिक्सटीन और ट्वेल्व एट सिक्सटीन और ट्वेल्व सर वेरिएबल प्रोडक्शन ओवर एड वेरिएबल प्रोडक्शन ओवर एड का रेट है फाइव पॉइंट सिक्स पर आवर और ये नंबर ऑफ आवर से ही मल्टीप्लाई होता है तो पहला आ जाएगा फाइव पॉइंट सिक्स दूसरा आ जाएगा इलेवन पॉइंट टू और तीसरा आ जाएगा एट पॉइंट फोर फाइव पॉइंट सिक्स इलेवन पॉइंट टू एट पॉइंट फोर ठीक है वेरिएबल सेलिंग ओवर हेड क्वेश्चन ने कहा था कुछ परसेंटेज ऑफ सेलिंग प्राइस बोला था कुछ परसेंटेज ऑफ सेल बोला था टेन परसेंट ऑन सेल्स तो जो भी सेलिंग प्राइस है उसका दस परसेंट आप शो कर दो सर सेलिंग प्राइस कितना है सेलिंग प्राइस है से बेटा यहाँ पे थर्टी फोर्टी फिफ्टी तो थ्री फोर फाइव आ जाएगा सर ये आ जाएगा थ्री फोर फाइव टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी टी टू पॉइंट सेलिंग प्राइस गिवन था 30, 40, 50 कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ जाएगा सेलिंग प्राइस में से वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट माइनस कर दो तो ये आ जाएगा फर्स्ट में सेवन सेकेंड में पांच रुपए साठ पैसा फाइव पॉइंट सिक्स और लास्ट में आ जाएगा ये आपका ट्वेल्व पॉइंट सिक्स पर यूनिट ऑफ लिमिटिंग फैक्टर सब लिमिटिंग फैक्टर हमारे पास गिवन है पॉइंट सेवन रो मटेरियल इज द लिमिटिंग फैक्टर जिसकी क्वांटिटी गिवन है पॉइंट सेवन पॉइंट फोर और वन पॉइंट फाइव पॉइंट सेवन पॉइंट फोर और वन पॉइंट फाइव से डिवाइड कर दो सेवन पॉइंट एट को आप डिवाइड करेंगे पॉइंट सेवन से तो इलेवन पॉइंट वन फोर फाइव पॉइंट सिक्स को आप डिवाइड करेंगे पॉइंट फोर से इट विल बी फोर्टीन और ट्वेल्व पॉइंट सिक्स को आप डिवाइड करेंगे रो मटेरियल पर यूनिट कितना वन पॉइंट फाइव सर सर रैंकिंग 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 किसका सबसे ज्यादा है वाई वाई का तो वाई की की आएगी एक्स और थर्ड रैंकिंग विल बी ऑब्जेक्ट नीचे इन्होंने वर्किंग नोट्स के लिए बोला है तो यहाँ पे जो जो बोला है उसके अकॉर्डिंगली आप थोड़ा सा दिखा दो जैसे डायरेक्ट मटेरियल बोला है तो आपको बस ये दिखाना है कि डायरेक्ट मटेरियल हमने कैसे कैलकुलेट किए हैं तो ये होता है रो मटीरियल पर यूनिट इन केजीस कि सर एक यूनिट को बनाने के लिए कितना के जी रो मटीरियल लगेगा मल्टीप्लाई बाई रो मटीरियल पर के जी अमाउंट सिमिलरली डायरेक्ट लेबर कैसे निकाला आपने सर लेबर आवर्स पर यूनिट मल्टीप्लाई बाई लेबर रेट पर आवर वेरिएबल प्रोडक्शन ओवर कैसे निकाला सर वेरिएबल ओवरहेड रेट पर यूनिट वो लेबर रेट पर आवर ठीक है लेबर आवर्स पर यूनिट वेरिएबल वेरिएबल नहीं पहले लिख दो लेबर आवर्स लेबर आवर्स पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय वेरिएबल ओवरहेड रेट पर आवर पर आवर वेरिएबल सेलिंग ड कैसे निकाला है आपने सर वेरिएबल सेलिंग ओवरहेड क्वेश्चन ने कहा था वैसे ही निकाला है दैट इज ऑफ सेलिंग प्राइस है ये और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कैसे निकाला है सर सेलिंग प्राइस पर यूनिट में से माइनस कर दिया है वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट को तो इस तरीके से आपको ये वर्किंग नोट शो कर देने पॉइंट वन तो हो गया सेकंड पॉइंट कहते हैं विच इज द लिमिटिंग फैक्टर इन दिस केस द रॉ मटीरियल इज द लिमिटिंग फैक्टर रॉ मटीरियल इन क्वांटिटी दैट इज इज द लिमिटिंग फैक्टर ठीक है वट इज द लिमिटिंग फैक्टर इन दिस केस एंड रैंक द प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू दियर कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ द लिमिटिंग फैक्टर दोबारा से पता नहीं क्यों करवा रहे हैं जबकि पहले में ही इन्होंने फॉर्मेट बनाते वक्त ऐसा कर दिया था ठीक है कोई दिक्कत नहीं है आपके लिए तो ये फ्री के मार्क्स होंगे अगर दोबारा से ऐसा कैलकुलेशन होती है तो सर कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट ऊपर से कॉपी कर लिया लिमिटिंग फैक्टर रिक्वायर्ड पर यूनिट पॉइंट सेवन के जी पॉइंट फोर के जी और वन पॉइंट फाइव जो क्वेश्चन में गिवन था कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ लिमिटिंग फैक्टर सर ऊपर से कॉपी करके लिखना है इलेवन पॉइंट वन फोर फोर्टीन और एट पॉइंट फोर और रैंकिंग भी ऊपर से कॉपी करके लिखनी है टू वन थ्री तो अगर ऐसा होता है अच्छी बात है दो नंबर आपके फालतू एक्स्ट्रा में आ रहे हैं सर लिमिटिंग फैक्टर रिक्वायर्ड पर यूनिट क्या है लिमिटिंग फैक्टर रिक्वायर्ड पर यूनिट गिवन है क्वेश्चन में रॉ मटीरियल रिक्वायर्ड पर यूनिट इन केजिस कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ लिमिटिंग फैक्टर कैसे निकाला फॉर्मूला दिखा दो कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट को डिवाइड किया है लिमिटिंग फैक्टर रिक्वायर्ड पर यूनिट से रैंकिंग की बात करें ठीक है ऊपर दिखा दिए वैसे तो रैंकिंग के लिए यहां पे अगर वर्किंग नोट में आपको बोलना है तो आप लिख दो द प्रोडक्ट विद हाइएस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ लिमिटिंग फैक्टर विल बी गिवन रैंकिंग वन एंड शो ऑन ठीक है जी दो नंबर आगे इसके बाद आगे चलते हैं सजेस्ट द ऑप्टीम सेल मेक्स विच विल मैक्सिमाइज द प्रॉफिट सर ऑप्टिमम सेल मिक्स बताओ जिससे हमें सबसे ज़्यादा प्रॉफिट होगा फॉर्मेट यहाँ पे बना हुआ है प्रोडक्ट मार्केट डिमांड सजेस्टेड प्रोडक्ट मैक्सम मैक्सिमम यूनिट रॉ मटेरियल कंज्यूम कितना होगा बैलेंस ऑफ रॉ मटेरियल कितना है सर यहाँ पे प्रोडक्ट का सीक्वेंस भी गिवन है वाई एक्स और जेड वाई एक्स और जेड क्योंकि वाई की रैंकिंग वन रही है एक्स की टू रही है और जेड की थ्री रही है तो ठीक है सबसे पहले मैं वाई बनाऊंगा सर कितना मार्केट डिमांड कॉपी कर लो पहले क्वेश्चन में देख लो मार्केट डिमांड कितनी है क्वेश्चन में देखो मार्केट डिमांड है एट थाउजेंड सिक्स थाउजेंड फाइव थाउजेंड एट थाउजेंड सिक्स थाउजेंड फाइव थाउजेंड रजिस्टर्ड प्रोडक्शन की मैं बात करूं एक सेकंड एट थाउजेंड सिक्स थाउजेंड फाइव थाउजेंड रजिस्टर्ड तो प्रोडक्शन की बात करें तो वाई की रैंकिंग फर्स्ट है तो सबसे पहले हम इसके 6000 थाउजेंड के जी बना सिक्स थाउजेंड यूनिट बनाने की कोशिश करेंगे रो मटेरियल कंज्यूम कितना हो जाएगा सर छह हजार यूनिट बनाओगे एक को बनाने के लिए वाई में पॉइंट फोर लगता है तो चौबीस सौ के जी लग जाएगा तो हमारे पास बैलेंस कितना बचेगा देखो तो स्टार्टिंग में अगर मैं बात करूँ तो क्वेश्चन में कहा था इन्होंने कि हमारे पास कितना रॉ मटेरियल है सर तो हमारे पास दस हजार चार सौ के जी रॉ मटेरियल है तो यहाँ पे आप लिख सकते हो बैलेंस में सबसे पहले कि सर अपने पास दस हजार चार सौ के जी है अब अगर दस चार सौ में से आप चौबीस तो सौ यूज कर लोगे आठ हजार के जी बच जाएगा इसके बाद आपकी कोशिश रहेगी रैंकिंग एक्स प्रोडक्ट बनाने की एक छकेंड यहाँ पे आठ हजार यूनिट थी ना आठ हजार छह हजार और पांच हजार एक सेकेंड चेक कर लेता हूँ आठ छह पांच आठ बनाएंगे बेटा फिर आठ बनाएंगे तो आठ बनाएंगे तो आठ हजार इन टू पॉइंट फोर बत्तीस सौ के लग जाएगा दस हजार चार सौ में से तो सर अपने पास 7200 टू हंड्रेड बच जाएगा ठीक है इसके बाद हम बनाने की कोशिश करेंगे एक्स सिक्स थाउजेंड सर एक्स की एक यूनिट को बनाने के लिए पॉइंट सेवन फोर्टी टू हंड्रेड ठीक है 7200 टू हंड्रेड में से फोर्टी टू हंड्रेड चला जाएगा तीन हजार के जी रो मटेरियल आपके पास बच गया और ये तीन तो हजार के जी रो मटेरियल है एक यूनिट जेड की बनाने के लिए वन पॉइंट फाइव लगेगा इस कॉलम में क्या शो करना है अपने को सजेस्टेड प्रोडक्शन के लिए डेढ़ घंटा लगता है तो तीन हजार में आप दो हजार यूनिट बना लोगे अपने पास कुछ नहीं बचेगा नील बस यही आंसर है वर्किंग नोट वर्किंग नोट में देखो आप बस ये दिखा सकते हो यहां पे पहले मैं ऑप्टिमम सेल मिक्स दिखा देता हूं एक्स सर एक्स बनेगा सिक्स थाउजेंड वाई सर वाई बना लेंगे अपना आठ हजार और जेड हम बना पाएंगे यहां पे टू थाउजेंड <coughs> इसके बाद देखो वर्किंग नोट में आप सिंपली यही कह सकते हो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट वाई ड्यू टू रैंकिंग वन Art units. Then uh, we have to produce product uh, X due to ranking two six thousand units in a uh, balance quantity of raw material. We हैव टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट जेड टू थाउजेंड यूनिट्स रो मटीरियल कंज्यूम्ड इन वाई आठ हजार इंटू मे पॉइंट सेवन नहीं आठ हजार इंटू मे पॉइंट फोर थर्टी टू हंड्रेड तो बैलेंस रो मटीरियल बैलेंस रो मटीरियल सेवेंटी टू हंड्रेड के जी रो मटीरियल कंज्यूम्ड इन एक्स सर सिक्स थाउजेंड इन टू पॉइंट सेवन it will be 4200 cases balance uh, raw material is equal to 3000 uh, cases and uh, raw material uh, consumed in uh, z 3000 accordingly नंबर ऑफ यूनिट्स प्रड्यूस्ड विल बी थ्री थाउजेंड के जी आपके पास बच गया एक को बनाने के लिए वन पॉइंट फाइव अकॉर्डिंगली टू थाउजेंड यूनिट आप यहां पे प्रोड्यूस कर पा रहे इस तरीके से आप अपना वर्किंग नोट इसका दे सकते पॉइंट नंबर डी कहता है डिटरमाइन द प्रॉफिट दैट विल बी एट द ऑप्टिमम सेल्स लेवल ये जो आपने ऑप्टिमम सेल निकाला कि वाई की आठ हजार एक्स की छह हजार और जेड की हम दो हजार यूनिट्स बनाएंगे तो इस पे आपका प्रॉफिट क्या होगा वो बताना है तो ठीक है ऑप्टिमम सेल मिक्स यहां पे कॉपी करो सर वाई की आठ हजार यूनिट एक्स की छह हजार यूनिट और जेड की दो हजार यूनिट सर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आपने ऊपर कैलकुलेट करा हुआ था कंट्रीब्यूशन पर यूनिट सर सेवन पॉइंट एट फाइव पॉइंट सिक्स ट्वेल्व पॉइंट सिक्स सेवन पॉइंट एट फाइव पॉइंट सिक्स ट्वेल्व पॉइंट सिक्स बस मल्टीप्लाई करो एट थाउजेंड एक सेकेंड तो y एक्स जेड का लेना है सीक्वेंस में दिक्कत है y का 5.6 पॉइंट सिक्स देन सेवन पॉइंट एट देन ट्वेल्व पॉइंट सिक्स आठ हज़ार इंटू फाइव पॉइंट सिक्स फोर्टी फोर एट हंड्रेड सिक्स थाउजेंड इंटू सेवन पॉइंट एट फोर्टी सिक्स एट हंड्रेड एंड टू थाउजेंड इंटू ट्वेल्व पॉइंट सिक्स सर ट्वेंटी फाइव थाउजेंड टू हंड्रेड टोटल कर लो इसका तो टोटल आ गया फोर्टी फोर एट हंड्रेड प्लस फोर्टी सिक्स एट हंड्रेड प्लस पच्चीस हजार दो सौ सर आ गया वन वन सिक्स एट डबल जीरो और इसमें से फिक्स्ड कॉस्ट माइनस कर दो सर फिक्स्ड कॉस्ट आई थिंक पचास हजार रुपये गिवन थी सर यस फिफ्टी थाउजेंड गिवन थी तो ये आ जाएगा आपका प्रॉफिट सिक्सटी सिक्स थाउजेंड एट हंड्रेड वर्किंग नोट यहाँ पे भी लिखा हुआ है बट तो यहाँ पे क्या वर्किंग नोट लिखना है मुझे तो नहीं समझ आ रहा लिख देता हूँ चलो कॉन्ट्रीब्यूशन इज इक्वल टू कॉन्ट्रीब्यूशन इज इक्वल टू ऑप्टिमम पेस अगर गिवन हो तो लिख जरूर देना जो भी आपको लगे कि हाँ ये लिख सकता हूं मैं वो तो लिख देना आप कॉन्ट्रीब्यूशन पर दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर फोर आई थिंक इस क्वेश्चन को करने में हमें अराउंड वही फिफ्टीन टू ट्वेंटी मिनट्स लग गए होंगे मतलब वही है दस नंबर के क्वेश्चन को करने में पंद्रह मिनट तो आप लगा के चलो आपको लग ही जाने इसके बाद क्वेश्चन नंबर फाइव अपने को करना है या नहीं करना सर तो करना है बिल्कुल करना है प्योर प्रैक्टिकल क्वेश्चन है बिल्कुल करेंगे ठीक है जी करना स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव पॉइंट नंबर एक कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का क्वेश्चन है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का क्वेश्चन है बीच में थोड़ा सा एडवर्टीजमेंट कर देता हूं अपना सी एम इंटर ग्रुप वन कॉस्ट अकाउंटिंग का लाइव एट होम बैच हम स्टार्ट कर रहे हैं सेवनटींथ ऑफ अगस्त से लाइव एट होम बैच स्टार्ट कर रहे हैं सेवनटीन ऑफ अगस्त से तो कोई भी स्टूडेंट अगर ज्वाइन करना चाहता है लाइव बैच फ्रॉम होम टू होम चलेगा हम अपने घर से आप अपने घर पे हम पढ़ाएंगे और आप पढ़ेंगे एक रीजनेबल फीस है रीजनेबल का मतलब बहुत कम भी नहीं है अगर आप जल्दी इसको रीजॉइन करते हो जल्दी अगर आप इसको ज्वाइन करते हो तो उस सिचुएशन में आपको ट्वेंटी परसेंट इस पर डिस्काउंट भी मिलेगा फॉर फी डिटेल्स फॉर टाइमिंग्स वट विल बी द शेड्यूल क्लासेस कैसे होगी सभी डिटेल्स के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हो मुझे डबल एट सिक्स जीरो सिक्स थ्री डबल सिक्स डबल सिक्स पे और साथ में हमारा एक इंडिपेंडेंस डे ऑफर भी चल रहा है आप हमारी ऐप पे जाइए वेबसाइट पे जाइए वेबसाइट है डब्लू डब्लू डब्ल्यू डॉट कॉमर्स लेक्चर्स डॉट कॉम डब्ल्यू 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 डॉट कॉमर्स लेक्चर्स डॉट कॉम ऐप अगर अगर आप जाते हो तो प्ले स्टोर पे जाइए लिखिए सीए पंकज सराओगी कॉमर्स लेक्चर्स सी ए पंकज सराओगी कॉमर्स लेक्चर्स डाउनलोड कीजिए दोनों ही जगह वहां पे हमने ट्वेंटी ट्वेंटी परसेंट डिस्काउंट कर रखे हैं कूपन कोड रहेगा उसका इंडिपेंडेंस चलिए जी वापस आता हूं क्वेश्चन नंबर फाइव पॉइंट नंबर ए कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का क्वेश्चन है कॉन्ट्रैक्टर हु थर्टी फर्स्ट मार्च ईच ईयर देना डेट्स पे इकतीस मार्च को ये अकाउंट्स बनाते हैं कमेंस कॉन्ट्रैक्ट नंबर ऑन जुलाई अगर ये एक जुलाई दो हजार बीस को कोई कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट कर रहे हैं और अकाउंटिंग करते हैं ये क्लोज अपनी इकतीस मार्च को तो इसका मतलब जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च नौ महीने का पीरियड यहाँ पे कवर्ड है द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज रिवील्ड

ऑफ इज टाइम ऑन द कॉन्ट्रैक्ट आठ हजार रुपए पर मंथ है नौ महीने का टाइम पीरियड है मल्टीप्लाई बाई नाइन हो जाएगा हाफ टाइम यहां पे अलॉट करते हैं तो हाफ कर देंगे सैलरी ऑल अदर एक्सपेंसिस हंड्रेड मटीरियल आपके पास क्लोजिंग में बच गया थर्टी फाइव फोर हंड्रेड कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस है बीस लाख रुपए थर्टी फर्स्ट मार्च ट्वेंटी ट्वेंटी वन को टू थर्ड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वॉज कंप्लीटेड लेकिन The architect gave certificate only for 50% of the contract price. Two third होता है परसेंटेज टर्म में 66.67%. अगर उसमें से 50% काम सर्टिफाई हो गया तो बैलेंस जो है 16.67% पॉइंट परसेंट दैट विल बी वर्क अनसर्टिफाइड जिसकी कॉस्ट हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी साढ़े सात लाख रुपए कैश पेड हो चुका है इसपे मतलब contractor ने पे कर दिया contractor को रिसीव हो गया प्रिपेयर contract अकाउंट एंड स्टेट हाउ मच प्रॉफिट और लॉस शुड बी इंक्लूडेड ऑन थर्टी फर्स्ट मार्च ट्वेंटी ट्वेंटी अकाउंट आंसर में यह कहते हैं टाइप योर आंसर हेर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट फॉर द ईयर हंड्रेड थर्टी फर्स्ट मार्च ट्वेंटी ट्वेंटी वन पर्टिकुलर्स अमाउंट तो बना दिया डेबिट केट भी बना दिया बट इस बार इन्होंने आइटम्स नहीं लिखे इसमें तो इस बार हमें आइटम भी यहाँ पे लिखने पड़ेंगे तो सर स्टार्टिंग से स्टार्ट हो जाते हैं सबसे पहले टू मटीरियल पीछे मैंने फ्लैग तो नहीं किया क्वेश्चन नंबर फोर जो था उसके अंदर अपना जो पार्ट था वो चलो आपके क्लेरिफिकेशन के लिए कर देता हूं ताकि अगर आप बाद में पढ़ते हो वैसे तो आप लोगों को पता है कौन सा पार्ट है बट फिर भी मैं यहां पे अपनी तरफ से रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो पूरी करता हूँ कि आप अगर ये सॉल्यूशन चाहते हो मतलब अगर ये इस तरीके से सोल्व वैसे तो इंस्टीट्यूट ने ये सॉल्व करके दिया है वहां से आप देख सकते हो कोई दिक्कत नहीं है बट अगर आपको ये सॉल्यूशन चाहिए ये वाली फाइल चाहिए आपको सॉल्यूशन के लिए तो आप ले सकते हो मुझसे व्हाट्सएप कर दो आप डबल एट सिक्स जीरो सिक्स थ्री डबल सिक्स डबल सिक्स पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो डबल एट सिक्स जीरो सिक्स थ्री डबल सिक्स डबल सिक्स हमारी वेबसाइट का लिंक ऐप का लिंक और ये मोबाइल नंबर ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे आप व्हाट्सएप कर सकते हो कि सर एम टी पी कास्ट अकाउंटिंग सॉल्यूशन लिख के दोगे आपको इमीजिएटली आपको ये जो फाइल यहाँ पे मैं सॉल्यूशन कर रहा हूँ ये पीडीएफ की फॉर्म में आपको मिल जाएगी हालांकि दी सॉल्यूशन आर अपलोडेड बाय द सी एम इंस्टीट्यूट तो वहाँ से भी आपको मिल जाएंगे बट तो आपको अगर स्टेप बाय स्टेप इन चीज़ों को समझना है तो आपको अगर ये खाली फ़ाइल चाहिए तो खाली भी मिल जाएगी अगर आपको विद सॉल्यूशन ये फाइल चाहिए विद सॉल्यूशन भी मिल जाएगी

वर्किंग नोट्स में यहाँ पे आप देख सकते हो नॉर्मली इंस्टीट्यूट आपसे वर्किंग नोट में फॉर्मुला लिखवाना चाह रहा है कैलकुलेशन तो आप टेबल्स वगैरह में जो स्पेस गिवन है उसमें कर दोगे वर्किंग नोट के लिए वर्किंग नोट में मेनली आपसे फॉर्मुले वगैरह क्या अप्लाई करके आपने वो फिगर्स लिखी है वो आपसे जानना चाह रहा है ठीक है मैं यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का क्वेश्चन स्टार्ट कर चुका हूँ सबसे पहले मैं यहाँ पे टू मटीरियल टू साइट लिख दूंगा दैट इज इसके बाद मैं यहाँ पे लेबर लिख दूंगा सर 565 600 इसके बाद मैं टू फोर मैन सेलरी भी लिख दूंगा सर 81300 इसके बाद मैं यहां पे डेप्रीशन कैलकुलेट कर दूंगा तो डेप्रीशन की कैलकुलेशन की अगर मैं बात करूं तो दो लाख साठ हजार रुपये का आप पे मशीन खरीदोगे और इसकी स्क्रैप वैल्यू भी है पंद्रह हज़ार टू लैक सिक्सटी थाउजेंड माइनस फिफ्टीन थाउजेंड डिवाइडेड बाई सात साल की इसकी लाइफ है तो पर ईयर इसका पैंतीस हजार का डेपरेशन आ गया बट हम तो फोर्टी वन फोर्टी सिक्स डेज के लिए यूज़ करेंगे तो मल्टीप्लाई बाई वन फोर्टी सिक्स डिवाइडेड बाई थ्री सिक्सटी फाइव ये फोर्टीन थाउजेंड का डेपरिशन आ जाएगा सर ये फोर्टीन थाउजेंड का डेपरेशन आ जाएगा क्या नीचे कहीं स्पेस है वर्किंग नोट शो करने के लिए अगर हाँ तो डेप्रिशन शो कर देता हूँ यहाँ पे है कैलकुलेशन ऑफ डेप्रीशन ऑन मशीन का तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि सर ऑन मशीन की कैलकुलेशन क्या हो रही है सर टू लैख सिक्सटी थाउजेंड पहले मैं यहाँ पे डेप्रीशियेशन पर एन कैलकुलेट कर दूँ सर टू लैख सिक्सटी थाउजेंड की मशीन जिसको आप कितने में बेच रहे हो सात साल के बाद पंद्रह हज़ार में बिक जाएगी सर सात साल के बाद सात साल के बाद ये पंद्रह हजार रुपये में बिक जाएगी तो इसका मतलब एक साल का तो ये डेप्रीशन सर पैंतीस हजार रुपये आ रहा है लेकिन डप्रीशियेशन हमें यहाँ पे केवल और केवल वन फोर्टी सिक्स डेज के लिए शो करना है तो अगर पैंतीस हजार है थ्री सिक्सटी फाइव डेज के लिए एक साल के लिए तो वट विल बी फॉर वन फोर्टी सिक्स डेज सर इट विल कम फोर्टीन थाउजेंड है जी शो कर दिया है मैंने इसके बाद इन्होंने कहा एक सुपरवाइजर है जिसको हम आठ हजार रुपये पर मंथ सैलरी दे रहे हैं नौ महीने का पीरियड है क्योंकि जुलाई से मार्च है तो ये सेवेंटी टू थाउजेंड पर एन एम है बट वो आधा टाइम ही यहां पे डिवॉट करते हैं तो थर्टी सिक्स थाउजेंड की सैलरी मुझे यहां पे सुपरवाइजर की शो करनी है सर यहां पे आ जाएगा टू सुपरवाइजर मैं कैलकुलेशन यहीं पर शो कर सकता हूं तो आठ हजार रुपए पर मंथ आप दे रहे हो मल्टीप्लाई बाई नाइन मल्टीप्लाई बाई वन बाई टू सर ये आ जाएगा थर्टी सिक्स थाउजेंड थर्टी सिक्स थाउजेंड टाइपिंग पे भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा अगर टाइपिंग गलत हो गई तो बाद में कैलकुलेशन के टाइम पे गलतियां हो जाएगी इसके बाद कहते हैं ऑल अदर एक्सपेंसेस है वन थर्टी सिक्स फाइव हंड्रेड टू अदर एक्सपेंसेज वन थर्टी सिक्स फाइव हंड्रेड इसके बाद मटेरियल साइट पे बच गया पैंतीस हजार चार सौ क्लोजिंग में आएगा बाई मटेरियल एट साइट थर्टी फाइव फोर हंड्रेड कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस है बीस लाख का और ये तो सेकंड पार्ट में हम शो करते हैं बस यही है तो यहाँ पे आपको कॉन्ट्रैक्ट की बाई वर्क्स कॉस्ट पता चल जाएगी इसको आप कॉस्ट ऑफ वर्क टू डेट बोल सकते हो टोटल कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बोल सकते हो बैलेंसिंग फिगर में सर डेबिट साइड का टोटल करो कितना आ रहा है टोटल so, आ गया टेन एट्टी फोर फोर हंड्रेड ठीक है माइनस कर दिया थर्टी फाइव फोर हंड्रेड तो सर ये वर्क्स कॉस्ट आ गई बैलेंसिंग फिगर में टेन लैख फोर्टी नाइन थाउजेंड टोटल शो कर दिया टेन एट्टी फोर फोर हंड्रेड सर ये जो वर्क्स कॉस्ट हम कैलकुलेट करते हैं इसको आगे कैरी कर लेते हैं टू वर्क कॉस्ट ब्रॉड फॉरवर्ड ब्रॉड डाउन ठीक है ये आ गया टेन लैख फोर्टी नाइन थाउजेंड क्रेडिट साइड में आप लिखते हो भाई वर्क इन प्रोग्रेस जिसके दो पार्ट करते हो जिसमें आप लिखते हो वर्क सर्टिफाइड एंड ए वर्क अनसर्टिफाइड सर वर्क सर्टिफाइड की बात करें तो क्वेश्चन ने कहा था बीस लाख रुपए का कॉन्ट्रैक्ट है फिफ्टी परसेंट सर्टिफाइड हो गया है दस लाख रुपए का आपका वर्क सर्टिफाइड आ जाएगा वर्क अनसर्टिफाइड के लिए यहां पे आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी क्योंकि क्वेश्चन ने कहा टू थर्ड कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हुआ कहा टू थर्ड कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हुआ है बट 50 परसेंट का ही सर्टिफिकेट मिला है तो वर्क अनसर्टिफाइड इन परसेंटेज टर्म टू थर्ड होता है परसेंटेज टर्म में 66.7 परसेंट इसमें से 50 परसेंट काम अगर आपका सर्टिफाई हो गया तो 16.67 परसेंट काम आपका अनसर्टिफाइड रह गया तो इसकी कॉस्ट आप कैलकुलेट कर सकते हो कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड इज इक्वल टू तो टेन लैख फोर्टी नाइन थाउजेंड की आपने टोटल कॉस्ट निकाली है जो कि सिक्सटी सिक्स पॉइंट सिक्स सेवन परसेंट की है आपने कॉस्ट निकाली है टेन लैख फोर्टी नाइन थाउजेंड जिसमें आपने सिक्सटी सिक्स पॉइंट सिक्स सेवन परसेंट काम किया तो सर सिक्सटीन पॉइंट सिक्स सेवन परसेंट की कॉस्ट क्या होगी सर इसकी कॉस्ट आ जाएगी राउंड ऑफ में टू सिक्स टू टू एट नाइन 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 ठीक है बिल्कुल ठीक है अकॉर्डिंगली आपको यहां पे बैलेंसिंग फिगर में नॉशनल प्रॉफिट पता चल जाएगा तो नॉशनल प्रॉफिट आ जाएगा ये आपका ये हो गया आपका टोटल ट्वेल्व लैख सिक्सटी टू थाउजेंड टू एट्टी नाइन ट्वेल्व लैख सिक्सटी टू थाउजेंड टू एट्टी नाइन बैलेंसिंग फिगर टू वन थ्री टू एट नाइन टू वन थ्री टू एट नाइन अब ये जो नॉशनल प्रॉफिट आता है ये भी आ, आगे कैरी कर लेते हो भाई नॉशनल प्रॉफिट सर तो ये है टेन लैख फोर्टी नाइन थाउजेंड इसके दो पार्ट होते हैं एक पार्ट आप ट्रांसफर कर देते हो एक पार्ट आप ट्रांसफर कर देते हो ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और दूसरा पार्ट रह जाता है आपका टू रिजर्व में टू रिजर्व इन वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट ठीक है जी टोटल जो होगा वो टेन लैख फोर्टी नाइन थाउजेंड नहीं नॉशनल प्रॉफिट लिखना है मुझे यहां पे टू वन थ्री टू एट नाइन ठीक है टोटल ये टू वन थ्री टू एट नाइन आएगा इधर का टोटल भी टू वन थ्री टू एट नाइन आएगा ट्रांसफर टू पीएल का फॉर्मूला अप्लाई होगा जिसके लिए हमें पता है कि वर्क सर्टिफाइड फिफ्टी परसेंट है और 50 परसेंट पे फॉर्मूला होता है टू थर्ड ऑफ नॉशनल प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाई कैश रिसीव अपॉन मे वर्क सर्टिफाइड ट्रांसफर टू पी का यहां पे अगर आप फॉर्मूला लिखते हो तो टू बाई थ्री मल्टीप्लाई बाई नॉशनल प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाई कैश रिसीव्ड अपॉन मे वर्क सर्टिफाइड नॉशनल so, प्रॉफिट आया है हमारा टू वन थ्री टू एट नाइन नॉशनल प्रॉफिट आया है हमारा टू वन थ्री टू एट नाइन टू वन थ्री टू एट नाइन टू थर्ड ऑफ टू वन थ्री टू एट नाइन मल्टीप्लाई बाई एज पर क्वेश्चन साढ़े सात लाख रुपए का कैश पेड हो चुका है बाई द कॉन्ट्रेक्टी कॉन्ट्रैक्टर को रिसीव हो गया और वर्क सर्टिफाइड आप पहले ही कैलकुलेट कर चुके हो दस लाख रुपए अकॉर्डिंगली आपको यहां पे ट्रांसफर टू पीएल पता चल जाएगा तो ये आ जाएगा वन जीरो सिक्स सिक्स फोर फोर राउंड ऑफ में वन जीरो सिक्स सिक्स फोर फोर राउंड ऑफ में पहले भी मैंने फ्रैक्शन लिए थे सिक्सटी सिक्स पॉइंट सिक्स सेवन परसेंट किया था कुछ स्टूडेंट हो सकता है सिक्सटी सिक्स पॉइंट सिक्स सिक्सटी सिक्स लेके चलें तो उसकी वजह से माइनर माइनर आपके आंसर में डिफरेंस आ सकते हैं वन जीरो सिक्स सिक्स डबल फोर विल बी ट्रांसफर टू बी एल वन जीरो सिक्स सिक्स डबल फोर माइनस कर दो टू वन थ्री टू एट नाइन में से तो सर रिजर्व में बच जाएगा आपके पास वन जीरो सिक्स दिस इज द आंसर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट दिस इज द आंसर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट काफी ज्यादा स्पेस इन्होंने दिया हुआ है पता नहीं क्यों दिया हुआ है बट क्वेश्चन की जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंगली इतना ही स्पे, आ, स्पेस सफिशियंट है हो सकता है कोई बच्चा स्पेस छोड़ छोड़ के लिखना चाहे जैसे इसके और इसके बीच में आप चाहो तो दो लाइन छोड़ दो इसके और इसके बीच में आप चाहो तो दो लाइन छोड़ दो ये सारा का सारा हमने टाइप किया है यहां पे तो मैं इसको रेड मार्क कर देता हूं चलिए आगे चलते हैं ये तो हो गया इसके बाद क्वेश्चन नंबर फाइव का बी पार्ट है क्वेश्चन नंबर फाइव का बी पार्ट है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का सर ये क्वेश्चन है स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड ऑफ ए एंड कंपनी शोज द फॉलोइंगेजेज गिवन है एक यूनिट को बनाने में दो घंटे लगेंगे पचास पैसा इच और एक रुपए पर यूनिट ठीक है इसका मतलब यह कहना चाह रहे हैं एक यूनिट को बनाने में दो घंटे लगेंगे पचास पैसे का रेट पर आवर है तो टू इन टू पॉइंट फाइव किया तो एक रुपए पर यूनिट का रेट हो गया एक्चुअल कॉस्ट फ्रॉम द बिजनेस ऑपरेशन आर एज फोलोज एक्चुअल में आपने आठ हजार यूनिट्स प्रोड्यूस की है एक्चुअल में आपने कितनी यूनिट्स प्रोड्यूस की है सर एक्चुअल में हमने आठ हजार यूनिट्स प्रोड्यूस की है द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वेजेस की अट्ठारह हजार घंटे चालीस पैसे के अकॉर्डिंगली सेवेंटी टू हंड्रेड की कॉस्ट है और क्वेश्चन क्या चाहता है कैलकुलेट द लेबर कॉस्ट वेरियां और लेबर रेट वेरियां टाइप योर आंसर में सबसे पहले ये कहते हैं लेबर कॉस्ट वेरियां बताओ लेबर रेट वेरियंस बताओ यहाँ पे वर्किंग नोट्स में पहले मैं यहां पे वर्किंग नोट लिखूंगा स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट सर स्टैंडर्ड आवर्स की बात करूं तो एक यूनिट के लिए आपने दो घंटे बोला था और एक्चुअल आउटपुट आपने बनाया है आठ हज़ार तो एक्चुअल आउटपुट के लिए स्टैंडर्ड आवर्स होंगे आपके सिक्सटीन थाउजेंड आवर्स स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ वेजेस की मैं बात करूं तो सर स्टैंडर्ड आवर्स हो गए सोलह हज़ार और स्टैंडर्ड रेट है पचास पैसे का तो सर आठ हज़ार रुपये की कॉस्ट हो गई एक्चुअल कॉस्ट ऑफ वेजेस तो क्वेश्चन में गिवन ही है सेवेंटी टू हंड्रेड लेबर कॉस्ट वेरियंस नीचे भी वर्किंग नोट में और ऊपर भी सर लेबर कॉस्ट का formula होता है स्टैंडर्ड कॉस्ट दैट इज एट थाउजेंड माइनस एक्चुअल आठ सौ रुपए फेवरेबल आ गया लेबर रेट वेरियंस का फॉर्मूला होता है लेबर रेट वेरियंस का फॉर्मूला होता है आप यहाँ पे चाहो तो फॉर्मूला लिख सकते हैं स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ वेजेस माइनस एक्चुअल कॉस्ट ऑफ वेजेस ठीक है इसके बाद लेबर रेट वेरिएंस की मैं बात करूं तो फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल आवर्स तो स्टैंडर्ड रेट था पचास पैसे का एक्चुअल रेट है चालीस पैसे का एक्चुअल आवर्स है एटीन थाउजेंड इट विल कम एटीन हंड्रेड ये भी फेवरेबल ये भी फेवरेबल तो लेबर कॉस्ट वेरियांस लिख दो आठ सौ रुपए फेवरेबल और लेबर रेट वेरियांस लिख दो एटीन हंड्रेड फेवरेबल तो तीन नंबर का क्वेश्चन था एक छोटा क्वेश्चन था जो मैंने कर दिया सिंपल क्वेश्चन था ये स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का काफी ज़्यादा तो इसमें आपको किसी तरीके की कोई दिक्कत फेस नहीं होनी चाहिए भले ही आपने किसी भी फॉर्मेट में ये आंसर क्यों ना किए हो जो मैंने टाइप किया है उसको मैं यहाँ पे अलग कलर कर देता हूँ ताकि यू कैन एनालाइज सर हमने क्या किया है इसमें और इंस्टीट्यूट ने क्या गिवन होगा इसमें वो आप यहां पे इजिली एनालाइज कर पाएंगे तो तीन क्वेश्चन कर लिया हमने क्वेश्चन नंबर थ्री क्वेश्चन नंबर फोर और क्वेश्चन नंबर फाइव सिक्स सेवन एट तीन क्वेश्चन बचे हैं जिसमें से आपने कहा था आप प्रैक्टिकल पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे मतलब आप क्वेश्चन नंबर सेवन करेंगे सिक्स और एट ना करके बिल्कुल बेटा मैं पहले क्वेश्चन नंबर सेवन ही करूंगा मेरा मेन परपज है पेपर को सॉल्व करना एक तरीके से कि भाई अगर ये तीन घंटे का पेपर आता है तो किस तरीके से हमें इस पेपर को अटेम्प्ट करना है क्वेश्चन नंबर सेवन में पिक कर रहा हूँ एस जी लिमिटेड प्रोड्यूस ए

ये डायरेक्ट नहीं डायरेक्ट वेजेस होगा ये ऑफ कोर्स डायरेक्ट वेजेस होगा ठीक है जो भी है ठीक है ओवरहेड टोटल पांच नंबर के पॉइंट से तो सेल कॉपी करो जरा सिक्सटी थ्री हंड्रेड फोर्टी एट हंड्रेड फोर्टी एट हंड्रेड कहा जा रहा है यहां पे आओ बेटा फोर्टी एट हंड्रेड ओके, फोर्टी एट हंड्रेड एंड ट्वेंटी फाइव हंड्रेड ठीक है जी टोटल लिखना चाहो लिख सकते हो तेरह हजार छह सौ रुपये ये तो चलता रहेगा आई थिंक ऐसे ही चलिए प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट है थर्टी थ्री पॉइंट थ्री थ्री परसेंट मतलब वन वन थर्ड थर्ड की मैं बात करूं तो पहले केस में ये इक्कीस सौ रुपए का प्रॉफिट है पहले केस में ये का प्रॉफिट है दूसरे प्रोडक्ट में ये पच्चीस परसेंट है तो बारह सौ रुपए हो जाएगा तीसरे केस में ये पंद्रह परसेंट है तो पच्चीस सौ का पंद्रह परसेंट सर यह थ्री सेवेंटी फाइव का प्रॉफिट हो जाएगा ठीक है अकॉर्डिंगली लास्ट में इन तीनों का टोटल लिख दूं तो सर इन तीनों का टोटल आ जाएगा थ्री सिक्स सेवन फाइव चलिए टोटल कॉस्ट की मैं बात करूं टोटल कॉस्ट की मैं बात करूं तो सेल में से प्रॉफिट माइनस करेंगे तो टोटल कॉस्ट पता चल जाएगा आपको फोर्टी टू हंड्रेड आ जाएगा थर्टी सिक्स हंड्रेड आ जाएगा वन ट्वेंटी फाइव वन ट्वेंटी फाइव सर यह आ जाएगा टू वन टू फाइव टोटल आ जाएगा इसका नाइन नाइन टू फाइव नाइन नाइन टू फाइव सेपरेट एक्सपेंसेस आपके पास क्वेश्चन में गिवन है तो सेपरेट एक्सपेंस फोर फिफ्टी थ्री ट्वेंटी फाइव और वन फिफ्टी सेपरेट एक्सपेंसेस चार सौ पचास तीन सौ पच्चीस और एक सौ पचास सर इसका टोटल हो गया फाइव वन फाइव फाइव वन फाइव तो कैसे हो गया? तो इसका टोटल हो गया नाइन ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी फाइव तो सर श, टोटल कॉस्ट में से अगर सेपरेट एक्सपेंस माइनस कर दिए जाए तो आपको शेयर ऑफ ज्वाइंट एक्सपेंस पता चलेगा ये फॉर्मेट तो ऑलरेडी बना हुआ है थ्री सेवन फाइव जीरो थर्टी सिक्स हंड्रेड में से माइनस कर दो थ्री ट्वेंटी फाइव थ्री टू सेवन फाइव टू वन टू फाइव में से माइनस कर दिया वन फिफ्टी वन नाइन सेवन फाइव और ये तो नौ हजार आ ही रहा है बस इतना ही आंसर था इसमें तो वर्किंग नोट में ये कहते हैं प्रॉफिट प्रॉफिट की मैं बात करूं तो ऊपर लिखा हुआ था ए के केस में थर्टी थ्री ट्वेंटी फाइव परसेंट ऑफ सेल्स एंड इन केस ऑफ सी फिफ्टीन परसेंट ऑफ सेल्स टोटल कॉस्ट ज्वाइंट एंड सेपरेट कॉस्ट ये कैसे कैलकुलेट किया ये कैलकुलेट किया हमने सेल में से प्रॉफिट को माइनस करके काफी इजी क्वेश्चन था पांच नंबर में इसके बाद ये क्वेश्चन खत्म हो गया इतना सा ही सॉल्यूशन था रेड कर देता हूं चलो फॉर्मेटिंग थोड़ी अलग है जिसकी वजह से ये फॉन्ट जो है आगे पीछे हो रहे हैं अल्फाबेट्स डेजिट्स, जो भी इसके अंदर था सब कुछ हिला डुला सा यहाँ पे हिल हो रहा है फिर भी मैंने कोशिश करी है अपनी तरफ से अच्छी से अच्छी फॉर्मेटिंग देने की आपको आप ये लगा लो कि जितना भी मुझे टाइम लग रहा है पेपर को करने में उसमें से आधा घंटा तो आप ये मान के चलो कि समझाने में या फिर फॉर्मेटिंग वगैरह में इनमें भी टाइम लगा रहा हूँ मैं नेक्स्ट बी पॉइंट द एग्जिस्टिंग इंसेंटिव सिस्टम ऑफ एस लिमिटेड इज एज अंडर नॉर्मल वर्किंग विद फाइव डेज ऑफ एट आवर्स ही चालीस घंटे प्लस तीन लेट शिफ्ट करते हो आप तीन तीन घंटे की नौ घंटे ही हो गए रेट ऑफ पेमेंट डे वर्क में एक सौ पर आवर चलेगा लेट शिफ्ट में दो पर आवर चलेगा एवरेज आउटपुट पर ऑपरेटर फॉर फोर्टी नाइन आवर्स वीक ये फोर्टी नाइन कैसे बने पांच दिन आठ आठ घंटे की वर्किंग नॉर्मल है चालीस घंटे और नौ घंटे की लेट शिफ्ट टोटल फोर्टी नाइन आवर्स इंक्लूडिंग थ्री लेट शिफ्ट एक सौ बीस आर्टिकल की बात है बट इन ऑर्डर टू इंक्रीज आउटपुट एंड एलिमिनेट ओवर टाइम लेकिन कंपनी अब चाहती है कि ओवर टाइम ना करना पड़े क्योंकि ओवरटाइम में खर्चे ज्यादा लगते हैं कंपनी के आउटपुट बढ़े अभी तो 120 यूनिट बन रही है हम चाह रहे हैं और आउटपुट बढ़े इट वॉज डिसाइडेड टू स्विच ऑन टू ए सिस्टम ऑफ पेमेंट बाई रिजल्ट सिस्टम ऑफ पेमेंट बाई रिजल्ट का मतलब कोई ना कोई बोनस सिस्टम ये इंट्रोड्यूस करना चाह रहे हैं टाइम रेट आपका एज यूजल 160 पर आवर रहेगा ये लेट शिफ्ट वाला हटा देंगे क्योंकि एलिमिनेट करना ही अपना टारगेट है बेसिक टाइम अलाउड फॉर 15 आर्टिकल पांच घंटे बेसिकली आपको पाँच घंटे दिए जा रहे हैं पंद्रह यूनिट्स को बनाने के लिए लेकिन हम आपको प्रीमियम बोनस में ऐड कर लो फिफ्टी परसेंट टू टाइम मतलब अगर नॉर्मली आपका पाँच घंटे में पंद्रह आर्टिकल बनाने का टाइम है तो आप फिफ्टी परसेंट टाइम उसमें और ऐड कर लो पाँच घंटे में फिफ्टी परसेंट ऐड कर लूँ तो मतलब साढ़े सात घंटे में आपको पंद्रह यूनिट बना के देनी है जब हम बोनस स्कीम पे जाएंगे तब क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट यह है कि प्रिपेयर ए स्टेटमेंट शोइंग आवर्स वर्कड वीकली अर्निंग्स नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड एंड लेबर कॉस्ट पर आर्टिकल चार चीजें शो करनी है वीकली अर्निंग्स आवर्स वर्कड नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस और लेबर कॉस्ट पर आर्टिकल फॉर वन ऑपरेटर अंडर द रोवान सिस्टम रोवान प्लान आपको अप्लाई करना है अज्यूम करो कि एक सौ पैंतीस यूनिट हमने प्रोड्यूस करी है चालीस घंटे में अंडर रोवान प्रीमियम सिस्टम टाइप योर आंसर ईयर में यहाँ पे एक टेबल बनी हुई है जिसमें आपको रोवान प्रीमियम सिस्टम में आवर्स वर्क दिखाने हैं सर चालीस है ऑलरेडी वीकली अर्निंग्स कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूसर गिवन है एक सौ पैंतीस एक सौ पैंतीस यूनिट गिवन है और लेबर कॉस्ट पर आर्टिकल तो जब आपको अर्निंग पता चल जाएगी तब हमें रोवान का फॉर्मूला पता है वर्किंग नोट में ये चाह रहे हैं कि हम कैलकुलेशन दिखाएं क्या सर बेसिक टाइम बेसिक टाइम है फाइव आवर्स फॉर फिफ्टीन आर्टिकल्स प्रीमियम बोनस की मैं बात करूं तो पांच में ये चाहते हैं कि हम फिफ्टी परसेंट टाइम ऐड कर लें तो इसका मतलब सेवन पॉइंट फाइव आवर्स फॉर फिफ्टीन आर्टिकल्स हो जाएगा तो टाइम अलाउड की बात करें तो हमने बनाई है कितनी एक सौ पैंतीस यूनिट अब अगर मैं कहता हूं साढ़े सात घंटे पंद्रह यूनिट के लिए इसका मतलब यह है कि मैं कहना चाह रहा हूं आपको आधा घंटा थर्टी मिनट्स फॉर वन यूनिट क्योंकि अगर मैं आपको कह रहा हूं साढ़े सात घंटे में पंद्रह यूनिट बना देना तो इसका मतलब तीस मिनट में एक यूनिट बना देना तो सर अगर तीस मिनट में एक यूनिट बनाने की बात चल रही है मतलब आधा घंटा तो इसका मतलब एक सौ पैंतीस यूनिट अगर बनाई गई है तो सिक्सटी सेवन पॉइंट फाइव आवर्स में ये बन जानी चाहिए थी एक्चुअल ये चालीस घंटे में ही बना दी गई है फॉर्मूला फॉर टू कंप्यूट अर्निंग एज पर वन प्रीमियम सिस्टम फार्मूला होता है सर एक्चुअल आवर्स मल्टीप्लाई बाय रेट पर आवर प्लस में टाइम सेव्ड डिवाइडेड बाय टाइम अलाउड मल्टीप्लाई बाय टाइम टेकन या एक्चुअल टाइम मल्टीप्लाई बाय रेट पर आवर ये फॉर्मूला होता है एक्चुअल आवर्स इन्होंने वर्किंग की है फोर्टी आवर्स सर रेट पर आवर बताया हुआ है एक का तो ये तो नॉर्मल वेजेस हो गई बोनस की कैलकुलेशन के लिए टाइम सेव्ड सर टाइम सेव्ड की बात करें साफ साफ दिखाई दे रहा है 67.5 टाइम अलाउड था और 40 आवर्स इन्होंने कंज्यूम किया तो 27.5 आवर इज द टाइम सेव्ड अपॉन में टाइम अलाउड था 67.5 मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल टाइम लिया है इन्होंने 40 और रेट पर आवर है 160 का आपको आंसर पता चल जाएगा फोर्टी इंटू वन सिक्सटी चौंसठ सौ रुपये सिक्सटी फोर हंड्रेड ट्वेंटी सेवन पॉइंट फाइव डिवाइड बाई सी सेवन पॉइंट फाइव इंटू फोर्टी इंटू वन सिक्सटी सर ये आ गया टू सिक्स जीरो सेवन तो टोटल आ जाएगा दोनों मिला के नाइन थाउजेंड सेवन नौ हजार सात रुपये आ गया सर राउंड ऑफ में नौ हजार सात रुपये आ गया ये नौ हजार सात रुपये आपको यहाँ पे अर्निंग लिखनी है एक सौ पैंतीस यूनिट आपने बनाई है नौ हजार सात रुपये में तो एक यूनिट की कॉस्ट हो गई डिवाइड कर दो नौ हजार सात डिवाइड बाई एक सौ पैंतीस सिक्सटी सिक्स पॉइंट सेवन टू आंसर आपका कितने नंबर का क्वेश्चन है? पांच नंबर का क्वेश्चन है हो गया ये आंसर डन है इसका मतलब फोर आउट ऑफ सिक्स क्वेश्चन मैंने कर दिए हैं. क्वेश्चन नंबर एट नहीं करना अपने को थ्योरी है इसके बाद सर सेक्शन डी पे मूव करूंगा आई थिंक अराउंड दो घंटे के आसपास हमें हो गए क्लास करते हुए एक घंटा और है मेरे पास अस्सी नंबर का पेपर अटेम्प्ट कर चुका हूँ मैं वो भी आपको समझाते हुए साथ में फॉर्मेटिंग का भी ध्यान में रखते हुए इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए दो घंटे में अस्सी नंबर का अगर आपका पेपर एग्जाम में हो जाता है ठीक है अब बीस नंबर का पेपर करने के लिए आपके पास एक घंटा है आराम से कर सकते हो आप कोई दिक्कत नहीं है सर ये जो डी सेक्शन है ये तो काफी लेंदी लेंदी सा लग रहा है तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि ये जो दिस सेक्शन इंस्ट्रक्शन ये है ईच क्वेश्चन इज फॉलोड बाई ए स्पेस वेर यू आर रिक्वायर्ड टू टाइप आंसर और आप ये मान के चलो अभी अभी आपने जो फोर आउट ऑफ सिक्स क्वेश्चन किया है बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन हैं बस एक केस स्टडी तरीके से बनाने की कोशिश करी है तो ऑफकोर्स आपको एग्जाम में पढ़ना तो पड़ेगा बट मेरा ये सजेशन है ये जो थियोरिटिकली जो चीजें गिवन है इसकी कोई रेलिवेंसी नहीं होगी फिर भी आप एक बार रीड जरूर कर लेना क्वेश्चन को मैं यहाँ पे रीड कर देता हूँ क्वेश्चन नंबर नाइन वेरी क्विकली इन पीस कैरियर करियर ही फिगर्ड आउट टू थिंग्स पी कोई बंदा है उसके करियर में दो चीजें आई ही वॉज नदर वेरी गुड एट नोर वेरी इंटरेस्टेड इन वर्किंग विद लार्ज कंपनीज ना तो वो करना चाहता है ना ही इंटरेस्टेड है ना ही अच्छा बंदा है मतलब इतनी स्किल नहीं है उसमें आप ये मान के चलो लार्ज कंपनी के साथ काम करने के लिए द फर्स्ट क्वेश्चन एन एंटरप्रीन्योर नीड्स टू आस्क इज वुड आई बाई दिस प्रोडक्ट एक एंटरप्रीन्यर पूछता है क्या मुझे ये प्रोडक्ट खरीदना चाहिए इफ द आंसर इज नो देन दे हैव नॉट फाउंड द राइट प्रोडक्ट अगर वो कहते हैं कि नहीं खरीदना चाहिए तो उनको प्रोडक्ट ही नहीं मिलता सही कि कौन सा खरीदूँ फिर द बेस्ट बिजनेस आर बोर्न Out of a need to solve a problem, in most cases the person who invests the time and money into starting a business is attempting to solve a problem they had that no one else seem to be able to solve. सॉल्व देखो तो अपने को ये तो पता है कि ये क्वेश्चन गिवन है रिकॉन्सिलियेशन का रिक्वायरमेंट से पता चल सकता है कि सर रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाना है अब रिकॉन्सिलियन के किस लिए किस डेटा की हमारे लिए रेलिवेंसी है वो भी हमें पढ़ के पता तो चली जाता है तो सर प्लेन रीडिंग कर लो आप इसको मेजर कॉरपोरेशन लीड इनोवेशन

About upcoming features or product, what are their thoughts about the competitor product, etc. research they requested the services of a marketing consultant who suggested a product survey and offered help with it. New product or concept testing survey templates offer questions to obtain insights about product and concept. These survey questions were curated by market research expert and would help in analyzing which kind of product or features will work in a market. आप कहोगे सर आप तो जस्ट प्लेन रीड कर रहे हो आपको भी ऐसा ही करना है एग्जाम में अगर इस तरीके की केस स्टडी आई प्लेन आपको रीडिंग करनी है आपको मेन कॉन्सेंट्रेट करना है सर तो क्वेश्चन कौन से चैप्टर का है तो सॉल्व कैसे करना है मार्केट सर्वे प्रोवाइडेड दै में प्लेटफॉर्म टू एनालाइज द स्कोप ऑफ सक्सेस ऑफ अपकमिंग प्रोडक्ट्स एंड मेक चेंजेस इन स्ट्रेटाइजिंग द प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू द फीडबैक द रिसीव ट इन्फॉर्मेशन अबाउट फैक्टर्स मार्केट साइज क्या है डेमोग्राफिक्स एज जेंडर फैमिली इनकम एक्सेट्रा टू ले आउट ए रोड मेपीडरिंग द ग्रोथ रेट ऑफ द मार्केट सिंस नीदर ऑफ द पार्टनर हैड एनी एक्सपीरियंस विद लॉन्चिंग ए न्यू प्रोडक्ट पी और एम दोनों को नया प्रोडक्ट लॉन्च करने का कोई एक्सपीरियंस नहीं दे हैड नो आइडिया अबाउट द प्राइसिंग ऑफ दियर प्रोडक्ट आधर उनको ये भी नहीं पता क्या प्राइस हमें रखना चाहिए अफोर्डेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट ऑल्सो इज एन आस्पेक्ट

They set up their business in 2017 and have been going strong ever since. Padta जा रहा business. While the P and M decided to appoint a financial accountant, M feels that the accountant may be involved in unethical practice. Ab M ko ye doubt hai ki hum ek accountant to rakh rahe hain, lekin हो सकता है वो गलत accounting वगैरह करे, unethical practice follow करे. He approached you. तो आपको appoint किया गया, आपको approach किया उन्होंने as a management accountant. सोज इज फीयर अपने फियर को हटाने के लिए हीज नॉट अप्रोच एनी ऑफ द प्रोफेशनल अकाउंटिंग बॉडीज एज हीज यू गेट एनी प्रूफ ऑफ रॉन्ग डूंगी ट्रस्ट द प्रोडक्शन कलीग्स बिफोर सिंह मोस्ट ऑफ द डिपार्टमेंट है ऑपरेशनल रिकॉर्ड फॉर योर प्रियर तो हमारे सामने ये रिकॉर्ड दिखाए गए कीप इन माइंड पी बिलीव दैट एम इज क्वेश्चनिंग पी इज चॉइस ऑफ पर्सनल

फ द डिस्क्रिपेंसी इन कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट इज इंटेंशनल और ए मेयर एडजस्टमेंट हमें देखना है कि क्या कोई डिस्क्रिपेंसी है कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग में इंटेंशनली दिस इज पॉसिबल बाय रिकनसाइलिंग द प्रॉफिट डिस्कलोज बाय कॉस्ट अकाउंट विद डेट श्योर इन द फाइनेंशियल अकाउंट इनका मानना है रिकॉन्सिलियशन अगर कर लिया जाए तो बात बन जाएगी द फॉलोइंग इज द ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ पी एंड कंपनी दिस इज द डेटा जो कि अपने को यूज करना है ट्रेडिंग एंड पीएल गिवन है फाइनेंशियल के अकॉर्डिंगली मटेरियल कंज्यूम डायरेक्ट वेजेस प्रोडक्शन ओवर एडमिन ओवर एड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ये आइटम तो कॉस्टिंग में भी आते हैं प्रीलिमिनरी एक्सपेंस गुडविल रिटर्न ऑफ फाइनस इंटरेस्ट ऑन मॉर्गेज लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन टैक्सेशन तो प्रीलिमिनरी एक्सपेंस से लेकर टैक्सेशन तक के केवल और केवल वो एक्सपेंस जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आते हैं क्रेडिट साइड में सेल की है यूनिट की फिनिश्ड गुड्स में है एक हजार यूनिट डब्ल्यू आई पी भी है इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट एंड डिविडेंड आर द इनकम जो केवल फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आती है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का प्रॉफिट इन्होंने कैलकुलेट कर लिया थ्री एटी थ्री नाइन सिक्सटी पी एंड कंपनी मैन्युफैक्चर स्टैंडर्ड यूनिट द कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ऑफ द फॉर्म शो द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कॉस्टिंग में आपको यह ध्यान में रखना है कि प्रोडक्शन ओवर हेड ट्वेंटी परसेंट ऑफ प्राइम कॉस्ट लेना है एडमिन ओवर पॉइंट सेवन फाइव पर यूनिट लेना है और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवर रुपी थर्टीन पर यूनिट सोल्ड लेना है क्वेश्चन की पहली रिक्वायरमेंट पॉइंट नंबर ए में है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अपने को कैलकुलेट करना है सर ठीक है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का फॉर्मेट बना हुआ है तो इसमें पहले प्राइम कॉस्ट निकालिए प्राइम कॉस्ट में हमें पता है मटीरियल और लेबर आ जाते हैं मटीरियल और लेबर प्राइम कॉस्ट में आ जाते हैं सर मटीरियल मटीरियल के लिए तो अलग से कुछ है नहीं कॉस्टिंग का डेटा तो मटीरियल की कॉस्ट आप वही कंसिडर करके चलो जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में गिवन है ट्वेंटी थ्री लैख वन थाउजेंड सर टोटल लिखना है यहाँ पे ट्वेंटी थ्री लैख वन थाउजेंड इसमें डब्ल्यू आई पी कितना है ऊपर गिवन होगा कहते हैं इसमें WIP आई पी पचपन हज़ार दो सौ पचास है तो आप यहाँ पे लिख देंगे फिफ्टी फाइव टू फिफ्टी तो बचा हुआ जो पार्ट है वो फिनिश गुड्स का पार्ट है सर ये माइनस करके आप लिख सकते हो ट्वेंटी टू फोर्टी फाइव सेवन फिफ्टी सिमिलरली वेजेज डायरेक्ट लेबर या वेजेज जो भी है सर वेजेज भी अलग से तो है नहीं कॉस्ट अकाउंटिंग में तो बारह लाख पाँच हज़ार सात सौ पचास ऊपर क्वेश्चन ने है कि डब्ल्यू आई पी में इसका पार्ट छब्बीस हजार रुपये है बाकी जो पार्ट है वो जो आपने फिनिश्ड गुड्स बनाया है का पार्ट होगा ऑफकोर्स सर इलेवन सेवनटी नाइन सेवन फिफ्टी प्राइम कॉस्ट पता चल जाएगी आपको अलग अलग पता नहीं ये क्यों अलग अलग कैलकुलेट करवा रहे हैं बाकी कभी देखा तो नहीं ऐसे अलग अलग कैलकुलेट करवाते हुए बट ठीक है फॉर्मेट बना हुआ है तो अच्छी बात यह है कि हमें आइडिया लग गया किस तरीके से हमें इसको सॉल्व करना है एटी वन टू फिफ्टी ये पता लग जाता है फॉर्मेट जब गिवन होता है तब तो अच्छी बात है ये कि फॉर्मेट गिवन है सर ठीक है इसके बाद वर्क्स कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए प्रोडक्शन प्राइम कॉस्ट में आपको प्रोडक्शन ओवर एड करने पड़ेंगे प्रोडक्शन ओवर आपको ट्वेंटी परसेंट ऑफ प्राइम कॉस्ट लेना है तो सर प्राइम कॉस्ट है थर्टी फाइव जीरो सिक्स सेवन फिफ्टी तो इसका ट्वेंटी परसेंट सेवन जीरो वन थ्री फाइव जीरो सेवन जीरो वन थ्री फाइव जीरो सेवन जीरो वन थ्री फाइव जीरो है ऊपर यहां पे प्रोडक्शन ओवर रेट सोलह हजार दो सौ पचास है डब्ल्यू आई पी का पार्ट तो बाकी बच जाएगा प्रोडक्शन का पार्ट एज पर कॉस्टिंग सिक्स एटी फाइव वन हंड्रेड सिक्स एटी फाइव वन हंड्रेड क्योंकि प्राइम कॉस्ट वगैरह जो है वो कॉस्टिंग में निकलती है तो कॉस्टिंग का ही प्रोडक्शन ओवर रेट आपको लेना है एड करेंगे वर्क कॉस्ट पता चल जाएगी फोर्टी टू जीरो एट वन हंड्रेड नाइन्टी सेवन फाइव हंड्रेड फोर्टी वन जीरो सिक्स हंड्रेड फोर्टी वन वन जीरो सिक्स हंड्रेड ठीक है इसके बाद कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक पहुंचने के लिए अगर वर्क्स कॉस्ट और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बीच में अगर एक स्पेस है तो एडमिनिस्ट्रेशन ओवर आएंगे सर तो एडमिन ओवर नाइन पर यूनिट लेना है और नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस की अगर मैं बात करूँ तो क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक तो कहीं है नहीं अगर आपने थर्टी थाउजेंड यूनिट सेल करी है फिर भी आपके पास एक हज़ार यूनिट क्लोजिंग स्टॉक में बच गई इसका मतलब आपने थर्टी वन थाउजेंड यूनिट प्रोड्यूस की है अगर आपने थर्टी वन थाउजेंड यूनिट प्रोड्यूस किए है हर एक यूनिट पे नाइन पॉइंट सेवन फाइव का आपने एक्सपेंस कंसीडर करना है एडमिन ओवर हेड का तो इट विल कम थ्री लैख टू थाउजेंड टू फिफ्टी थ्री लैख टू थाउजेंड टू फिफ्टी इसमें कोई डब्लू आई पी वगैरह पार्ट तो है नहीं तो आप यहाँ पे टोटल में ही शो कर दीजिए थ्री लैख टू थाउजेंड टू फिफ्टी अकॉर्डिंगली आपको ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पता चल जाएगा प्रोडक्शन की कॉस्ट जानना चाह रहे हो डब्ल्यू आई पी तो जानना भी नहीं चाह रहे आप प्रोडक्शन तो की कॉस्ट पता चल जाएगी आपको फोर्टी फोर ट्वेल्व एट फिफ्टी आप इधर का भी टोटल कर देते हो कोई गलत नहीं है बट क्वेश्चन है जब पूछा ही प्रोडक्शन का टोटल है कॉस्ट का टोटल तो प्रोडक्शन का ही टोटल मैंने किया है ये फिगर्स हमने करी है रेड कर देता हूँ शायद आई थिंक लास्ट क्वेश्चन में भी मैंने नहीं किया था क्या फिगर्स मैंने शो करिए छोटा क्वेश्चन था रह जाता है ठीक है ठीक है जी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का स्टेटमेंट तो मैंने बना दिया अब कहते हैं प्रिपेयर ए अब्रीज स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट एंड प्रॉफिट इन कॉस्ट रिकॉर्ड ठीक है अब्रीज मतलब जो डेटा गिवन है उसके बेसिस पे मुझे स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट एंड प्रॉफिट कॉस्ट रिकॉर्ड में बनाना है और फॉर्मेट के अकॉर्डिंगली सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ले लेना है जो कि फोर्टी फोर वन टू एट फाइव जीरो लेना है ठीक है सर अब इसके बाद अगर मैं बात करूं तो यहां पे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तक पहुंचने के लिए आपको इसमें से माइनस करना पड़ेगा लेस करना पड़ेगा सर तो क्या लेस करना पड़ेगा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ इिनिश गुड्स सर क्लोजिंग स्टॉक ऑफ इिनिश गुड्स की यूनिट्स तो आपको ऊपर से पता चल रही है एक हजार यूनिट्स है बट फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग में तो अलग तरीके से क्लोजिंग स्टॉक की कैलकुलेशन होती है तो इसके लिए यहां पे वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वन थाउजेंड यूनिट मुझे शो करना है सर इसका फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय यूनिट्स प्रोड्यूस्ड मल्टीप्लाई बाय क्लोजिंग स्टॉक यूनिट ये फॉर्मूला होता है सर इसका बिल्कुल ये फॉर्मूला होता है इसका अगर मैं इसकी कैलकुलेशन शो करूं तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है फोर्टी फोर वन टू एट फाइव जीरो ठीक है डिवाइडेड बाय यूनिट्स आपने प्रोड्यूस की है इकतीस हजार यूनिट्स तीस हजार सेल कर चुके हो और एक हजार क्लोजिंग स्टॉक में है तो सर एक हजार यूनिट की कॉस्ट क्या है वो बता दो वन फोर्टी टू थ्री फिफ्टी वन फोर्टी टू थ्री फिफ्टी वन फोर्टी टू थ्री फिफ्टी ठीक है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा फोर्टी टू सेवेंटी फाइव हंड्रेड ठीक है इसके बाद कॉस्ट ऑफ सेल्स तक पहुंचना है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से तो इसके बीच में सेलिंग एक्सपेंसेस आते हैं क्वेश्चन ने कहा था सेलिंग एक्सपेंसेस हमें तेरह रुपए पर यूनिट सोल्ड लेना है सर so, तेरह रुपए पर यूनिट सोल्ड लेना है तीस हजार यूनिट आपने बेची है थ्री लैख नाइन्टी थाउजेंड तीन लाख नब्बे हजार कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाएगी फोर्टी सिक्स सिक्सटी फाइव हंड्रेड सर प्रॉफिट सेल्स शो कर दो सर सेल्स है हमारी फोर्टी एट लैख सेवेंटी फाइव थाउजेंड सेल्स है फोर्टी एट लैख सेवेंटी फाइव थाउजेंड तो अकॉर्डिंगली फोर्टी एट लैख सेवेंटी फाइव थाउजेंड फोर्टी एट लैख सेवेंटी फाइव थाउजेंड फोर्टी एट लैख सेवेंटी फाइव थाउजेंड सेल्स की माइनस कर दो कॉस्ट टू लैखीन थाउजेंड फाइव हंड्रेड दैट विल बी योर प्रॉफिट दो लाख चौदह हजार पाँच सौ रुपए आपका प्रॉफिट आ जाएगा दो लाख चौदह हजार पाँच सौ रुपए आपका प्रॉफिट आ जाएगा सर कुछ फिगर्स आपने लिखी है सर फिगर्स आपने लिखी है सारी की सारी अभी कर देता हूँ कलर ये भी मैंने लिखा है ब्लू वाला पार्ट ब्लू वाला पार्ट भी मैंने लिखा है रेड वाला पार्ट भी मैंने लिखा है जो पार्ट ब्लैक है वो मुझे कलरफुल करना है बाकी तो आपको पता है सर बाक़ी तो मैंने ही लिखा है चलिए और ये वर्किंग नोट तो हमने ही बनाया है हाँ ये गिवन था कि एक हजार यूनिट्स की क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू निकालनी है चलिए जी ये हो गया आपका दो नंबर का पार्ट जिसमें कॉस्ट ऑफ कॉस्ट एंड प्रॉफिट निकल गया एज पर कॉस्ट रिकॉर्ड सी में कहते हैं प्रिपेयर ए स्टेटमेंट टू रिकनसाइलिंग द प्रॉफिट डिस्कलोज बाई कॉस्ट अकाउंट विद इन फाइनेंशियल अकाउंट रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बना हुआ है सबसे पहले आपको नेट प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट शो करना है सर कर दीजिए नेट प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट अभी अभी आपने कैलकुलेट किया है टू लैख फोर्टीन थाउजेंड फाइव हंड्रेड चलिए जी इसके बाद अब जो आइटम ऐड करने हैं वो आ जाएंगे नीचे लेस के आइटम है और प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल बुक्स गिवन है ठीक है एक एक आइटम चेक करता हूँ मैं एक एक आइटम अगर मैं चेक करता हूँ तो जो कॉस्टिंग में मटेरियल की फिगर है वो हमने वहीं से पिक की है लेबर की फिगर वहीं से पिक की है प्रोडक्शन ओवरहेड कॉस्ट अकाउंटिंग में कॉस्ट अकाउंटिंग में प्रोडक्शन ओवर रेट सेवन जीरो जीरो है गलती से ध्यान देना ये सिक्स एट फाइव वन डबल जीरो मत लिख लेना क्योंकि जब तक आपकी वर्क इन प्रोग्रेस की एडजस्टमेंट नहीं होती है जो कि प्रोडक्शन ओवर के बाद होती है तब तक तो वर्क इन प्रोग्रेस कंसिडर करते हैं तो सात लाख एक हजार तीन सौ पचास रुपए का प्रोडक्शन ओवर है कॉस्ट अकाउंटिंग के अकॉर्डिंगली जबकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में ये सिक्स नाइन टू टू फाइव जीरो है सर इसका मतलब कॉस्ट अकाउंटिंग में ओवर ऑब्जॉर्प्शन है कितना दोनों का डिफरेंस सर ओवर ऑब्जॉप्शन है 9100 का और ओवर ऑब्जॉर्प्शन ऐड होता है तो so, हम लिखेंगे ओवर ऑब्जॉर्प्शन ऑफ ओवर ऑब्जॉर्प्शन ऑफ प्रोडक्शन ओवर एड 9100. कैलकुलेशन आप शो कर सकते हो सेवन जीरो वन थ्री डबल जीरो माइनस सेवन जीरो वन थ्री फाइव जीरो माइनस सिक्स नाइन टू टू फाइव जीरो चलिए डन इसके बाद प्रोडक्शन ओवर के बाद आगे चलता हूं एडमिन एडमिन ओवर कॉस्टिंग में लिखा है थ्री लैख टू थाउजेंड टू फिफ्टी और फाइनेंशियल में ये लिखा हुआ है थ्री टेन थ्री सेवेंटी फाइव सर अंडर ऑब्जॉप है कॉस्टिंग में एट वन टू फाइव का और अंडर ऑब्ज माइनस हो जाएगा तो so, हम लिखेंगे लेस वाले आइटम में अंडर ऑब्जॉप ऑफ ओवर अंडर ऑब्जॉर्बन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ओवर इट्स सर फिगर एट वन टू फाइव डिफरेंस दिखाना चाहते हो दिखा सकते हो तीन लाख दस हजार तीन सौ पचहत्तर में से माइनस करना है तीन लाख दो हजार दो सौ पचास चलिए जी आगे चलते हैं एडमिन ओवरहेड के बाद हम यहां पे आ गए थे और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश कॉस्टिंग में कॉस्टिंग में क्लोजिंग स्टॉक है 142,350 फाइनेंशियल में क्लोजिंग स्टॉक है क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू है एक लाख तीस हजार सर कॉस्ट अकाउंटिंग में क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा और क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा होने की वजह से प्रॉफिट ज्यादा दिखाई देता है माइनस करना पड़ेगा ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक बारह हज़ार तीन सौ पचास माइनस करेंगे ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इन कॉस्ट बारह हज़ार तीन सौ पचास सर कैलकुलेशन शो करना चाहते हैं तो कर दीजिए कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में यह है एक लाख तीस हज़ार और कॉस्ट अकाउंटिंग में आपने ये कैलकुलेट किया है वन फोर्टी टू थ्री फिफ्टी 142 350 टू थ्री माइनस वन लैख थर्टी थाउजेंड चलिए जी क्लोजिंग स्टॉक के बाद सेलिंग एक्सपेंसेस कॉस्ट अकाउंटिंग में है तीन लाख नब्बे हजार और सेलिंग एक्सपेंसेस है तीन लाख अड़सठ हजार आठ सौ पचहत्तर तीन लाख नब्बे हजार माइनस थ्री सिक्स एट एट सेवन फाइव सर ओवर ऑब्जॉपन है इक्कीस हजार एक सौ पच्चीस का कॉस्ट अकाउंटिंग में ओवर ऑब्जॉप होता है एड तो एड कर दो ओवर ऑब्जॉप्शन ऑफ सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस कैलकुलेशन शो करना चाहते हैं कर दीजिए सर थ्री लैख नाइन्टी थाउजेंड में से माइनस करना है थ्री सिक्सटी एट एट सेवेंटी फाइव हजार एक सौ पच्चीस हो जाएगा सेलिंग एक्सपेंसेस के बाद कॉस्ट ऑफ सेल्स प्रॉफिट सेल्स ये सब आ गया इसके बाद हम देख लेंगे कि कोई एक्स्ट्रा आइटम जो केवल फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हो सर बहुत सारे हैं प्रीलिमिनरी एक्सपेंस बाईस हजार सात सौ नब्बे गुडविल पैतालीस हजार फाइन्स थ्री टू फाइव जीरो इंटरेस्ट ऑफ मॉर्गेज थर्टीन थाउजेंड लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन सिक्सटीन टू फिफ्टी टेक्सेशन वन नाइनटी फाइव ये प्रिलिमिनरी एक्सपेंस से लेकर टैक्सेशन तक के सारे आइटम माइनस होने हैं Preliminary expense twenty two seven ninety. Preliminary expense twenty two seven ninety. Goodwill forty five thousand. Fines three two five zero. Interest on mortgage thirteen thousand. लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन सोलह दो सौ पचास टेक्सेशन वन लैख नाइन्टी फाइव थाउजेंड इसके अलावा फाइनेंशियल अकाउंटिंग में दो आइटम है क्रेडिट साइड में इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट और डिविडेंड वो एड हो जाएंगे इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट है पैंसठ हजार और डिविडेंड है तीन लाख नब्बे हजार तीन लाख नब्बे हजार एड वाले आइटम का टोटल करो 9100 वन हंड्रेड प्लस ट्वेंटी वन वन ट्वेंटी फाइव प्लस सिक्सटी फाइव थाउजेंड प्लस थ्री लैख नाइनटी थाउजेंडोर एटी फाइव टू ट्वेंटी फाइव सर लेस वाले आइटम का टोटल करो थ्री वन फाइव सेवन सिक्स फाइव थ्री वन फाइव सेवन सिक्स फाइव सर देखो ज़रा मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा टू वन फोर फाइव डबल जीरो प्लस फोर एट फाइव टू टू फाइव माइनस माइनस थ्री वन फाइव सेवन सिक्स फाइव सर मैच हो रहा है तो इसका मतलब आपको पता चल जाएगा आपका रिकॉन्सिलेशन बिल्कुल ठीक है ये भी हो गया इसमें अगर मैं फॉर्मेटिंग कर दूँ सर ये नेट प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट्स मैंने लिखा है इसके बाद ये सारी चीज़ें मैंने ही लिखी है बस ये प्लस माइनस लिखा हुआ था और प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंटिंग इवन था क्वेश्चन में इस वजह से इन्होंने लिख दिया था टी पॉइंट में दो नंबर के लिए कहते हैं व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स मेंटेन बाय द फाइनेंशियल कंसलटेंट कोई गलती नहीं मिली तो टाइप योर आंसर ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स मेंटेन बाय द फाइनेंशियल कंसल्टेंट तो आप कह सकते हो द फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स द फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स मेंटेन्ड बाय फाइनेंशियल कंसल्टेंट र एब्सोल्यूटली करेक्ट बिकॉज इफ देर इज इफ देर इज एनी डिस्क्रिपेंसी रिकॉन्सिलियेशन विल नॉट मैच अगर कहीं भी कोई भी दिक्कत होगी तो रिकॉन्सिलियेशन आपका मैच नहीं होगा दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर नाइन जिसमें हमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालना था कॉस्टिंग का प्रॉफिट निकालना था रिकॉन्सिलेशन बनाना था और एक छोटा सा सजेशन देना था बस इन दो लाइनों को लिखवाने के लिए इस दो नंबर के लिए अपने को उतना बड़ा पैराग्राफ पढ़ना पड़ रहा है केस स्टडी टाइप से उसके बाद लास्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर टेन इसको भी रीड कर देता हूं केस स्टडी बनाने की कोशिश है बट अगर सिंपल सी मैं बात करूं दिस इज द क्वेश्चन ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सो द एक्स वाई जेड बेकरी फोकसिस ऑन मेकिंग केक्स

मेन बात यह है कि स्टडी मटेरियल में ऐसी कोई केस स्टडी नहीं है नहीं देनी चाहिए इनको एक तरीके से मैं सिंपली ये कहूंगा टाइम वेस्ट वाली बात है ये केस स्टडी पढ़ाना बाई फोकसिंग ऑन एंड बींग इन ए निश सिलेक्शन द इंश्योर दियर ऑफरिंग इज बेग्ड बाई मोर एक्सपीरियंस एंड टेक्निक देन दियर कॉम्पिटिट द मिशन ऑफ एक्स वाई जेड बेकरी इज टू ऑफर दियर कस्टमर्स डिलीशियस ब्यूटिफुल And memorable sweet treats for every, any occasion, yeah, every occasion. The bakery wants to create a bakery which makes the best quality baked goods on site from scratch, fresh daily, and creating an inviting, warm atmosphere for clients and customers to be able to purchase their baked goods. Since their brand is built around the goal of providing all of the customers with an unparalleled product and experience. द हैंड पिक्ड टैलेंटेड टीम ऑफ पेस्ट्री शेप्स यूज द प्योरेस्ट ऑफ इन्ग्रीडियंट्स एंड कटिंग एज अ टेक्नीक टू क्रिएट ए प्रोडक्ट दैट इज ट्रूली सुपीरियर इन क्वालिटी तो प्रोडक्ट तो अच्छा बना रहे हैं सुपीरियर क्वालिटी का बना रहे हैं एक्स वाइज जैट बेकरी हैव अर्नड ए रेपुटेशन ऑफ कॉन्स्टेंटली प्रोवाइडिंग आउटस्टैंडिंग कस्टमर सर्विस एंड दे ट्रूली बिलीव दैट कस्टमर सैटिस्फेक्शन इज दियर अल्टीमेट गोल सिंस स्टार्टिंग देयर बिजनेस इन टू थाउजेंड फोर्टीन दे हैव ग्रोन टू हैव फाइव न्यू ब्रांचेज इन डिफरेंट सिटीज काफी अच्छा बिजनेस चल रहा है ब्रांचेज पे ब्रांचेज ओपन किए जा रहे हैं पांच नई ब्रांचेज ओपन कर ली इन्होंने द न्यूएस्ट अमंग दीज फाइव न्यू ब्रांचेज इन नोएडा इज अनेबल टू अर्न ए प्रॉफिट एंड क्लेम्स ए फॉलोइंग मार्केट इज टू क्लेम नोएडा में अच्छा नहीं चल रहा है इनका बिजनेस ऑन ए क्लोजर इन्वेस्टिगेशन दर कॉम्पिटिटर इन द सेम सिटी हैज पिक्ड अप मोर प्रॉफिट रिसेंटली हम कह रहे हैं अच्छा नहीं चल रहा बिजनेस बाकी हमारे जो कॉम्पिटिटर है नोएडा में उनका बिजनेस अच्छा चल रहा है मेनी ऑफ द कस्टमर क्लेम दट द नोएडा ब्रांच यूज चीप रो मटीरियल एंड ऑफन इंफीरियर क्वालिटी इन्ग्रीडियंट फॉर द कन्फेक्शन ये रीजन है कि वहां पर चीप रो मटेरियल यूज हो रहा है अच्छा प्रोडक्ट नहीं है वहां पर एट द सेम टाइम द मैनेजर ऑफ द ब्रांच क्लेम द रो मटेरियल प्राइस इंक्रीज वन ऑफ द प्रोपराइटर है वर्कशॉप अबाउट द वंडर ऑफ अपलाइंग स्टैंडर्ड कॉस्टिंग टेक्निक स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का क्वेश्चन आएगा आपके सामने फॉर कॉस्ट कंट्रोल पर्पज क्योंकि रो मटेरियल की कॉस्टिंग बढ़ रही थी तो इन्होंने कहा कॉस्ट कंट्रोल करने के लिए हम स्टैंडर्ड कॉस्टिंग फॉलो करेंगे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इज ए परफॉर्मेंस अप्रेजल टेक्निक यूज बाय कंपेयरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस अगेंस्ट द फॉर ऑल एरियाज ऑफ ऑपरेशन विद द ऑर्गेनाइजेशन दिस इज डन इन डिस्कशन विद वेरियस हेड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सेगमेंट्स व्हेन एक्चुअल परफॉर्मेंस टेक प्लेस द एक्चुअल डेटा आर कंपेयर्ड विद स्टैंडर्ड्स इफ देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल एंड स्टैंडर्ड्स द डिफरेंस इज एनालाइज टू फाइंड रीजन देर ऑफ सिंपल स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में हम करते क्या स्टैंडर्ड को एक्चुअल के साथ कंपेयर करते हैं

बट हंड्रेड उसमें स्टैंडर्ड लॉस चला जाएगा तो थाउजेंड का स्टैंडर्ड आउटपुट हमें मिल रहा है रेट बता दिए ट्वेंटी फोर्टी सिक्सटी एक्चुअल में चालीस हजार के जी का आपने प्रोडक्ट बनाया ए बी सी की एक्चुअल क्वांटिटी और एक्चुअल प्राइस गिवन है क्वेश्चन की पहली रिक्वायरमेंट है पॉइंट ए में कंप्यूट स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट एंड रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी आपको एसक्यू और आर एस क्यू निकालना है दो नंबर का ये क्वेश्चन है फॉर्मेट बना हुआ है सर एसक्यू हम बहुत ईजिली कैलकुलेट कर लिया करते हैं चार सौ पचास है थाउजेंड के आउटपुट के लिए आपने एक्चुअल में चालीस हज़ार बनाया है तो एटीन थाउजेंड सिंपली कहूँ तो आपको ये जो क्वांटिटीज है इनको एटीन से मल्टीप्लाई करना है क्योंकि ये है एक हज़ार के लिए और आपने वो चालीस से मल्टीप्लाई करना है क्योंकि ये है एक हज़ार के लिए और एक्चुअल में चालीस हज़ार आपने बनाया 400 तो फोर हंड्रेड फोर्टी सर तो वन लैख सिक्सटी थाउजेंड वो सिक्सटीन थाउजेंड टू फोर्टी सर टेन थाउजेंड टोटल अट्ठारह हजार प्लस सोलह हजार प्लस दस हजार फोर्टी फोर थाउजेंड माइनस करना चाहते हो कर सकते हो बाकी ऐसे कोई रेलिवेंसी नहीं है ट्वेंटी रुपीज ठीक है आरएस क्यू निकालना है आरएस क्यू में हम क्या करते हैं जो एक्चुअल क्वांटिटी का टोटल होता है दैट इज फोर्टी सिक्स थाउजेंड इसको स्टैंडर्ड के रेशियो में डिवाइड किया करते हैं स्टैंडर्ड का अगर मैं रेशियो देखूँ तो यह फोर फिफ्टी फोर हंड्रेड और टू फिफ्टी फोर हंड्रेड फोर हंड्रेड और टू फिफ्टी तो सर 450 है 1100 में 450 है 1100 में तो 46,000 में इट शुड बी एटीन एट वन एट पॉइंट वन एट अट्ठारह हजार चार सौ है ग्यारह सौ में तो फोर्टी सिक्स थाउजेंड के पीछे इट शुड बी सिक्सटीन सेवन ट्वेंटी सेवन सिक्सटीन सेवन ट्वेंटी सेवन पॉइंट टू सेवन और सर 250 है डिवाइडेड 1100 सो इन टू तो फोर्टी सिक्स थाउजेंड में इट शुड बी टेन फोर फिफ्टी फोर पॉइंट फाइव फोर टोटल करोगे तो ये राउंड ऑफ में राउंड ऑफ में आ जाएगा आपका मे बी थोड़ा सा पॉइंट का डिफरेंस आए यू टू फ्रैक्शन ठीक है सर आप अगर इसको पॉइंट फाइव फाइव कर लोगे तो ये फोर्टी सिक्स थाउजेंड एग्जैक्ट आ जाएगा ठीक है ये तो कंप्लीट है इसमें ये जो आंसर लिखा था मैंने फॉर्मेटिंग कर देता हूं अकॉर्डिंगली पॉइंट ए का जो कैलकुलेशन का पॉइंट है वो तो खत्म हुआ नीचे कुछ वर्किंग नोट में ये जानना चाह रहे हैं देख लेते हैं अभी क्या लिखना है वहां पर वर्किंग नोट्स में ये कहते हैं स्टैंडर्ड क्वांटिटी तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी देन स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी की अगर बात करें तो सर स्टैंडर्ड क्वांटिटी तो गिवन है स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट जो है वो आप कैलकुलेट करते हो स्टैंडर्ड क्वांटिटी तो सर गिवन है स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट आप कैलकुलेट करते हो उसके लिए हम फॉर्मूला अप्लाई किया करते हैं स्टैंडर्ड क्वांटिटी जो गिवन होती है जिसको एच डी क्यू से इंडिकेट किया इन्होंने एच डी डॉट क्यू से उसको डिवाइड किया जाता है स्टैंडर्ड आउटपुट से और मल्टीप्लाई कर दिया जाता है इसको एक्चुअल आउटपुट से इस तरीके से ये कैलकुलेशन है स्टैंड प्राइस पर के जी सर गिवन है एक्चुअल क्वांटिटी सर गिवन है एक्चुअल प्राइस आप लिखना चाहो तो दोबारा से लिख सकते हो जो ऊपर गिवन है ए का इतना बी का इतना सी का इतना बाकी ये तो गिवन था फैक्टर फॉर कंप्यूटिंग एस क्यू अगर एस क्यू आपने कैलकुलेट करना है तो उसके लिए अगर मैं फैक्टर की बात करूं तो इसके लिए फैक्टर होते हैं एस डी क्यू स्टैंडर्ड आउटपुट और एक्चुअल आउटपुट इन तीन फैक्टर की अपने को जरूरत पड़ती है एस क्यू इज द स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट इन केजीज में सर so ऑलरेडी मैंने ऊपर फॉर्मूला लिख दिया था मुबारस से लिखवा रहे हैं यही वाली चीज या आप चाहो तो इसमें कैलकुलेशन करके दे सकते हो बट कैलकुलेशन की तो जरूरत नहीं होती अगर आप फॉर्मूला मेंशन कर देते हो तो और फैक्टर फॉर कंप्यूटिंग आर एस क्यू आर एस क्यू की कैलकुलेशन के लिए फैक्टर होता है एक तो एस डी क्यू एस डी क्यू उसको हम डिवाइड करते हैं टोटल इनपुट से और मल्टीप्लाई करते हैं एक्चुअल इनपुट से तो आर एस क्यू निकलता कैसे है उसका फार्मूला शो कर दीजिए आप कि सर ये होता है एस डी डॉट क्यू जो आपने लिखा हुआ है ऊपर उसको डिवाइड किया जाता है टोटल इनपुट से टोटल इनपुट की क्वांटिटी से और उसको मल्टीप्लाई कर लिया जाता है एक्चुअल इनपुट की क्वांटिटी से तीन नंबर का एक क्वेश्चन दे रहे हैं कहते हैं कंप्यूट स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर स्टैंडर्ड मटीरियल इसमें आपको क्या करना है स्टैंडर्ड क्वांटिटी को स्टैंडर्ड प्राइस से मल्टीप्लाई करना है रिवाइज स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ मटेरियल इसमें आपको आर एस क्यू को एसपी से मल्टीप्लाई करना है स्टैंडर्ड प्राइस से स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ एक्चुअल मटेरियल तो इसमें आपको एक्चुअल क्वांटिटी को स्टैंडर्ड प्राइस से मल्टीप्लाई करना है और एक्चुअल कॉस्ट ऑफ मटेरियल में आपको एक्चुअल क्वांटिटी को एक्चुअल प्राइस से मल्टीप्लाई करना है फॉर्मेट आपके पास बना हुआ है सिंपली आपने मल्टीप्लाई कर करके फिगर्स लिखनी है एसक्यू इंटू एस पी एसक्यू है अट्ठारह हजार इंटू बीस सर तीन लाख साठ हजार बी के लिए सोलह हजार इंटू चालीस सिक्स लैख फोर्टी थाउजेंड तीन लाख साठ हजार छह लाख चालीस हजार टेन थाउजेंड इंटू सिक्सटी छह लाख रुपये टोटल किया जा सकता है इसका सिक्सटीन लैख सर आर एस क्यू एसपी में आपको आर एस क्यू को सेलिंग प्राइस से मल्टीप स्टैंडर्ड प्राइस से मल्टीप्लाई करना है आर एस क्यू की क्वांटिटी है ये स्टैंडर्ड प्राइस है इसको मल्टीप्लाई करना है तो सर अट्ठारह हजार आठ मल्टीप्लाई बाई ट्वेंटी इट विल थ्री सिक्स फोर थ्री सेवन सिक्स थ्री सिक्स फोर राउंड ऑफ में नेक्स्ट है वन सिक्स सेवन टू सेवन पॉइंट टू सेवन को मल्टीप्लाई करना है चालीस रुपए से आ जाएगा सिक्स सिक्स नाइन ज़ीरो नाइन ज़ीरो पॉइंट एट सिक्स सिक्स नाइन ज़ीरो नाइन ज़ीरो पॉइंट एट है तो नाइन वन लिख सकता हूँ मैं इसके बाद वन ज़ीरो फोर फाइव फोर पॉइंट फाइव फाइव मल्टीप्लाई बाई सिक्सटी तो ये आ जाएगा सिक्स टू सेवन टू सेवन थ्री सिक्स टू सेवन टू सेवन थ्री इसका टोटल किया जा सकता है आ जाएगा वन सिक्स सेवन टू सेवन टू एट इसके बाद एक में आपको एक्चुअल क्वांटिटी को स्टैंडर्ड प्राइस से मल्टीप्लाई करना है सर एक्चुअल क्वांटिटी को स्टैंडर्ड प्राइस से मल्टीप्लाई करना है बीस हजार इंटू बीस चार लाख रुपए सत्रह हजार इंटू चालीस छह लाख अस्सी हजार नौ हजार इंटू सिक्स फाइव लाख फोर्टी थाउजेंड टोटल आ जाएगा सोलह लाख बीस हजार रुपए। लास्ट में आपको ए क्यू को एपी से मल्टीप्लाई करना है मतलब एक्चुअल क्वांटिटी को एक्चुअल प्राइस से मल्टीप्लाई करना है तो बीस हजार इंटू उन्नीस तीन लाख अस्सी हजार सेवेंटीन थाउजेंड इंटू फोर्टी टू सेवन लैख फोर्टीन थाउजेंड एंड नाइन थाउजेंड इंटू सिक्सटी फाइव फाइव लैख एटी फाइव थाउजेंड इसका भी टोटल किया जा सकता है दैट विल कम सिक्सटीन लैख सेवेंटी नाइन थाउजेंड सर कैलकुलेशन तो हो गई नीचे वर्किंग नोट बोला है देखते हैं क्या चाहते हैं वर्किंग नोट में ये वर्किंग नोट में ये चाहते हैं स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर स्टैंडर्ड मटीरियल कैसे निकाला आपने स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर स्टैंडर्ड मटीरियल सर ये स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर स्टैंडर्ड मटीरियल होता है तो इसमें क्या होता है इसमें हम स्टैंडर्ड क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करते हैं स्टैंडर्ड प्राइस से देन कहते हैं रिवाइज्ड स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ मटेरियल आर एस क्यू एस पी इसमें हम आर एस क्यू को एस से मल्टीप्लाई करते हैं स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ एक्चुअल मटेरियल इसमें हम ए को स्टैंडर्ड प्राइस से मल्टीप्लाई करते हैं और ए क्यू इन मतलब एक्चुअल क्वांटिटी को एक्चुअल प्राइस से मल्टीप्लाई करना है अगर आपने किसी और भी फॉर्मेट में ये चीजें करी हुई है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है सिंपली इसमें आपको एस क्यू पता चल जाता है तो इनको मल्टीप्लीकेशन करके शो करना होता है मल्टीप्लीकेशन के अकॉर्डिंगली इसको सॉल्व करना होता है म में थोड़ी वहां पे फॉर्मेटिंग वगैरह सही होगी और आपको कुछ इस तरीके से रेडिश वगैरह करने की जरूरत भी नहीं होगी कम से कम आपका आधा घंटा टाइम से हो जाएगा जो भी मैं यहां पे कर रहा हूं उसके अकॉर्डिंगली कंप्यूट मटीरियल्ड वेरियंस कंप्यूट मटीरियल यू वेरियंस मटीरियल मिक्स वेरियंस मटीरियल विद कमेंट

मल्टीप्लाई बाई सेलिंग प्राइस मतलब एक जगह आप स्टैंडर्ड क्वांटिटी लेते हो एक जगह आप आर एस क्यू लेते हो ये है स्टैंडर्ड क्वांटिटी ये है आर एस क्यू दोनों में स्टैंडर्ड प्राइस होता है दोनों में ही सर स्टैंडर्ड प्राइस है तो सिंपली यील्ड वेरियंस इन दोनों के डिफरेंस से आप कैलकुलेट कर सकते हो तो सर यील्ड वेरियंस अगर इन दोनों के डिफरेंस से कैलकुलेट करूँ तो सोलह लाख माइनस सोलह लाख बहत्तर हजार सात सौ अट्ठाईस रुपये तो बहत्तर हजार सात सौ अट्ठाईस रुपये आ जाएगा यील्ड येरियांस तो अगर इनके अकॉर्डिंगली ही मैं यहाँ पे कैलकुलेशन करके लिखूँ तो सर ये आ जाएगा मेरा सेवनटी टू सेवन टू एट सेवनटी टू सेवन टू एट और वो भी एडवर्स आ रहा है कमेंट में मैं लिखूँगा यहाँ पे एडवर्स इसके बाद मटेरियल मिक्स वेरिएंस का फॉर्मूला होता है आपका रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट ये है रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी क्वांटिटी ये है एक्चुअल और दोनों में स्टैंडर्ड प्राइस है तो इसका जो डिफरेंस है वो आपका कहलाएगा मटीरियल सोलह बहत्तर सात सौ अट्ठाइस माइनस सोलह लाख बीस हजार ट्वेंटी एट फिफ्टी टू सेवन ट्वेंटी एट माइनस से डिफरेंस आ सकते हैं ड्यू टू फ्रैक्शन हमने जो ऊपर कंसीडर किए उसकी वजह से और सर ये आ रहा है फेवरेबल ये आ रहा है आपका फेवरेबल बिल्कुल ठीक है इसके बाद कैलकुलेट करना है का फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाई स्टैंडर्ड प्राइस सर ये है स्टैंडर्ड क्वांटिटी और ये है एक्चुअल क्वांटिटी और दोनों में स्टैंडर्ड प्राइस है तो 16 लाख माइनस सोलह लाख बीस हजार बीस हजार एडवर्स आपका

इसी तरीके से मटेरियल मिक्स वेरिएंस में क्या होता है रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी मल्टीप्लाई वो स्टैंडर्ड प्राइस से होता है माइनस में क्वान्टिटी लेते हो आप एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाई वो स्टैंडर्ड प्राइस से होता है मटेरियल यूसेज वेरिएंस स्टैंडर्ड क्वांटिटी यूज तो स्टैंडर्ड प्राइस ही होता है एक्चुअल क्वांटिटी स्टैंडर्ड प्राइस इस तरीके से आप फॉर्मुले बना सकते हो अगर आपने किसी अदर वाइज फॉर्मेट में भी इन क्वेश्चन को करा हुआ है कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको आप ईजिली मैं कह रहा हूँ आप इन क्वेश्चन को इस फॉर्मेट में कर सकते हो अगर आपने अदरवाइज भी फॉर्मेट में करा हुआ है तो हाँ थोड़ी सी प्रैक्टिस जरूर कर लीजिए आप कि सर अगर मेरे सामने इसी तरीके से ये फॉर्मेट आ गया क्वेश्चन आ गया तो हाँ मुझे अब इस तरीके से इनका सॉल्यूशन देना है और अगर इंस्टीट्यूट दो तीन मॉक टेस्ट हमारे सामने दे दे तो, तो फिर मजा ही आ जाएगा हम आपको वो सॉल्व करवा के प्रैक्टिस करवा ही देंगे बट नो आइडिया इसका मॉक टेस्ट वन लिखा हुआ है उसको देखकर तो लगता है कि हाँ, आगे भी मॉक टेस्ट और आने चाहिए सर कितने और मॉक टेस्ट आएंगे? नेक्स्ट अगर मैं आता हूं तो क्वेश्चन कहता है एंडिंग करने जा रहे हैं हम द एंड लिखा हुआ आ गया सर यहां पे मटेरियल प्राइस और मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस पूछा गया आपसे सर मटेरियल प्राइस वेरिएंस का फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल क्वांटिटी स्टैंडर्ड प्राइस वेरिएंस का फार्मूला होता है स्टैंडर्ड प्राइस माइनस में एक्चुअल प्राइस मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल क्वांटिटी ए क्यू ऊपर देख लो एस पी ए क्यू ए क्यू एस पी और एक क्यू ए पी ए क्यू एस पी और एक ए पी तो सर सोलह लाख बीस हजार और सोलह लाख उन्यासी हज़ार का डिफरेंस आएगा फिफ्टी नाइन थाउजेंड एडवर्स आएगा फिफ्टी नाइन थाउजेंड एडवर्स विल बी और फिफ्टी नाइन थाउजेंड एडवर्स आएगा सर और मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस की अगर मैं बात करूँ मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस की बात करें तो सर ये होता है स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट जिसमें होता क्या है स्टैंडर्ड क्वांटिटी स्टैंडर्ड प्राइस से मल्टीप्लाई होती है और एक्चुअल क्वांटिटी एक्चुअल प्राइस से मल्टीप्लाई होती है उसका डिफरेंस तो एस क्यू एस पी एक्ट एस क्यू एस पी ए क्यू ए पी सोलह लाख और सोलह लाख उन्यासी हजार का डिफरेंस सेवेंटी सर ये कहानी है आपके मॉक टेस्ट की नो डाउट टाइम मुझे लग गया अराउंड पौने तीन घंटे दो घंटे पैंतालीस मिनट के आसपास मुझे यहां पे टाइम लग गया है लेकिन मैं ये कहूंगा कि इस पौने दो घंटे में आधा घंटा कम से कम वो एक्स्ट्रा लगा है जिसमें मैं फॉर्मेटिंग कर रहा हूँ आगे पीछे कर रहा हूँ कलरिंग कर रहा हूँ या आपको चीज़ें बता भी रहा हूँ समझा भी रहा हूँ लेकिन एज ए स्टूडेंट आप तीन घंटे अगर मैं ये मान के चलता हूँ भी आधा घंटा मैंने इसमें ख़राब किया तो मतलब ये सवा दो घंटे में पेपर मैं सॉल्व कर पा रहा हूँ एज ए स्टूडेंट आप तीन घंटे में कर लेंगे इवन ढाई घंटे में भी कर लेंगे क्योंकि टाइम वेस्ट आपका भी बीच में ऐसा कुछ नहीं होने वाला और अगर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है तो ईजिली आप इस पेपर को सॉल्व कर सकते हैं मैंने जो क्वेश्चन छोड़ दिए वो चॉइस क्वेश्चन थे वो मैंने छोड़ दिए जैसे कि थियोरिटिकल क्वेश्चन थे क्वेश्चन नंबर था ठीक है उसमें लाइक शॉर्ट नोट वगैरह पूछे गए हैं तो मेन मेरा परपज देखो ये आपको एनालाइज करवाना है कि ज्यादा नर्वस होने की जरूरत नहीं है कि सर नया पैटर्न आ गया तीन घंटे में सॉल्व नहीं होगा होगा बेटा बिल्कुल होगा पेपर में फॉर्मेट गिवन है उसके फायदे भी हैं नुकसान भी हैं फायदा यह है कि आपको फॉर्मेट याद रखने की जरूरत नहीं पड़ रही आपको फॉर्मेट पता चल जाएगा कि सर इस फॉर्मेट में करना है नुकसान उसका यह है रिजिडिटी आ जाती है अगर मैंने ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन करे हुए हैं तो उस सिचुएशन में मुझे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है उसका तरीका एक ही है उसका तरीका यह है कि एक मॉक टेस्ट ने तो इंस्टीट्यूट ने दे दिया है बाकी जो मॉक टेस्ट आने वाले हैं उनको भी आप करो ताकि आपको ये आइडिया लग जाए कि सर वो किस फॉर्मेट में आपसे क्वेश्चन करवाना चाह रहे हैं वो आपसे किस फॉर्मेट में क्वेश्चन करवाना चाह रहे हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि इंस्टीट्यूट के एग्जाम अभी काफी दूर है आपको कम से कम चार से पांच मॉक टेस्ट आ जाने चाहिए अगर पांच मॉक टेस्ट आ जाते हैं तो हमें हर तरीके के क्वेश्चन का एक बार आइडिया लग जाएगा कि हमें वो किस तरीके के फॉर्मेट में करने हैं तो जो तो मैंने क्वेश्चन छोड़े हैं वो इंटेंशनली छोड़े हैं क्योंकि वो पेपर में अटैम्प्ट नहीं करने उनका मैं देखूंगा अलग से आपको सॉल्यूशन अगर प्रोवाइड करवाना होगा तो करवा देंगे बाकी सॉल्यूशन तो देखो आपके पास एमटीपी में गिवन ही है मेन पर्पज़ ये था आज के एम का कि किस तरीके से आप इसको टाइमली सॉल्व कर सकते हो पर आपके सामने सॉल्यूशन भी आ गए तो दिस इज ऑल अबाउट फॉर दिस वीडियो और जाने से पहले एक बार फिर से रिमाइंडर दिलाऊंगा कि सर लाइव बैच हमारा स्टार्ट हो रहा है कॉस्ट अकाउंटिंग का ऑफ अगस्त से डिटेल के लिए आप कॉल कर सकते हो डबल एट सिक्स जीरो सिक्स थ्री डबल सिक्स पे नंबर में भी मिल जाएगा साथ में हमारा इंडिपेंडेंस डे ऑफर चल रहा है ट्वेंटी परसेंट फ्लैट डिस्काउंट है ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट पे कूपन कोड इंडिपेंडेंस मोबाइल ऐप पे भी ये डिस्काउंट चल रहा है और वेबसाइट पे भी चल रहा है वेबसाइट और मोबाइल ऐप दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और मैं हमारी जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग लॉ की फैकल्टीज है उनसे भी रिक्वेस्ट करूँगा अगर पॉसिबल हुआ तो उनको भी इसी तरीके से आपको पेपर करवाने के लिए मैं रिक्वेस्ट करूँगा अगर वो पॉसिबल होगा तो हम जल्दी ही वो भी यहाँ पे अपलोड करेंगे चलिए जी थैंक यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम एंड प्रिपरेशन थैंक यू